Can you all hear me? Yes, we can. आप सबको सुनाई देता है? Yes. Oh, good. So, welcome everybody. Thank you so much for cooperating. How many people are there? Can I see? Okay, so you can comment over here. Abhi, right now I have muted you all because I'm supposed to speak. And then we'll take it further. Okay. So I'll speak in Hindi so that everybody can understand. The slides are in English. And I'll give you some tips also according to that. I share my screen. PDF is I'm just opening my PDF, one second. Why is this not opening? Nikunj? Yes. Can you help me? This is not opening in PDF. It is opening somewhere else. And that's fine. It is Adobe. It's okay? It's fine. Okay. So can everybody see the screen? This is Word document. Above it is showing PDF. See? I close this. Click it. Right. But I think jab main save karu to baddu gayi. You should have saved another document. No? Anyway, just that you know, thoda sa upar niche hai aur kuch nahi hai. I was just arranging in the document. So we start with today's homeopathy at home prescriber course. सबसे पहले तो मैं सबको बताना चाहूंगी कि प्लीज आपके मोबाइल फोन है ना थोड़ा से म्यूट पे रख देना सो दैट इट डजंट डिस्टर्ब और क्लिक इन बिटवीन बिकॉज इफ यू कॉन्सेंट्रेट एंड फोकस सबकी लाइफ बदल जाएगी. आई कैन अश्योर यू कि ये आपको बहुत ही जिंदगी में सबको काम लगेगा. आज बिकॉज ऑफ दिस कोविड ये जो डर है और जिसके मतलब अभी सबने बोला है कि इसी के साथ जीना है तो दिस इज गोइंग टू बी अ बून टू यू ऑल कि चलो घर में ही हम लोग अपने फैमिली और अपने आप की केयर कर सकते हैं. एंड फॉर द डॉक्टर्स आई आल्सो हैव समथिंग टू ऑफर फॉर द सॉरी टू इंटरप्ट जस्ट देयर इज अ रिक्वेस्ट ऑफ पुटिंग इट फुल स्क्रीन कैन यू क्लिक दैट बटन या राइट दिस वन ओके फाइन यप. सो फॉर द डॉक्टर्स हु आर प्रैक्टिसिंग सीख रहे हैं इवन दो दोज हु आर प्रैक्टिसिंग एडवांस्ड उनके लिए भी बहुत ही अच्छा होगा.
ये मैं अपनी पूरी नॉलेज थोड़ा सा इसमें कंसाइज फॉर्म, मतलब बहुत ही सिंपल फॉर्म में जो सभी समझ सकते हैं, वैसे लेमेन लैंग्वेज में डाल रही हूँ. आफ्टर दैट वी कम टू व्हाट आई हैव टू ऑफर. तो होम्योपैथी WHO, that is World Health Organization, has also given recognition to homeopathy. And what does the World Health Organization say for a good health? Good health is a state of physical, mental, and spiritual well-being with the absence of disease or infirmity. So it is the ability to adapt and to self-manage in the face of social, physical, and emotional challenges. यही चीज़ है जो आज हम face कर रहे हैं. Everybody, सबको आज एक्सेप्टेड है कि नहीं है, कोविड ने हमको सबको ये इमोशनल, फिजिकल और सोशल सारे में चेंजेस आए हैं जिसको हमको जबरदस्ती अपने आप को अडेप्ट करना पड़ रहा है. और इसमें होम्योपैथी बहुत ही ब्यूटीफुली हेल्प करता है. तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी बोलता है कि अगर आप ये तीनों चीजों को संभाल सकते हैं तो यू आर इन अ स्टेट ऑफ गुड हेल्थ. और होम्योपैथी क्या डिफाइन करता है वो भी यही बोलता है. होम्योपैथी वर्क्स होलिस्टिकली, आपको होलिस्टिकली क्योर करता है. होलिस्टिकली मतलब आपकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल लेवल पे आपको पूरे एंटायर बॉडी को एक अच्छे से इंटीग्रेटेड, मतलब नेचर को हार्मोनियस वे से, मतलब नेचर के साथ जेल होके उसको अडेप्ट करके कैसे उसको जो भी परिस्थितियां उत्पन्न होती है लाइफ में उसको हम कैसे अडेप्ट करके उसके साथ हम जी सकते हैं बिना कोई बीमारी के, बिना कोई तनाव के. ये होम्योपैथी का डेफिनेशन है. दैट इज व्हाट होम्योपैथी वर्क्स. इट्स बेसिकली अ स्टेट ऑफ पॉजिटिव वेलबींग एट ऑल टाइम्स. मतलब दुख आए, सुख आए, जीवन में उतार आए, चढ़ाया है, कोई भी चीज हो उसमें भी होम्योपैथी पॉजिटिवली ही काम करता है. ट्रू हेल्थ मस्ट बी थॉट ऑफ इन पॉजिटिव डायनामिक टर्म्स, नॉट सिंपली एज द एब्सेंस ऑफ डिजीज. आप बीमार नहीं है तो आप ये मत सोचो कि मैं हेल्दी हूँ. एवरी टाइम ऑन एंड ऑफ लाइफ में हमारे पास ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहाँ पे हम लोगों को अपने आप को अडेप्ट करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है. तो होम्योपैथिक बहुत ही सेफ है और एक डायनामिक है. डायनामिक मतलब चेंज होता रहता है, फास्ट मूविंग है. जैसे अभी बारिश की सीजन आ गई, वेदर चेंज हो गया, दैट इज ऑल्सो समथिंग विच इज हैपनिंग डायनामिकली. कभी एकदम धूप आ गई, कभी एकदम बारिश आ गया. सो अब हमारे बॉडी को तुरंत इमिजिएटली उसके साथ अडेप्ट करना चाहिए. और ऐसे मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि इरिटेट नहीं होना चाहिए कि अरे ये वेदर आ गए, या एनीथिंग इन लाइफ में जो भी हमारी सिचुएशंस होती है उससे इरिटेट नहीं होना चाहिए, उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए. और उसके उसमें हम अपने आप को कितना ढाल सकते हैं ना, उस तरह से बॉडी को स्ट्रांग बनाना चाहिए. होम्योपैथी बिल्कुल ही सेफ एंड नॉन टॉक्सिक वे है. इसमें कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होता है. इट्स अ रेवोल्यूशनरी नेचुरल फॉर्म ऑफ मेडिसिन. मेडिकल साइंस ने इसको एक रेवोल्यूशन है. क्यों है? आज आप देखेंगे कि कोरोना वायरस के लिए भी हमारे पास कोई भी वैक्सीन नहीं बनाए गए हैं, या हॉस्पिटल्स में भी आज थक गए हैं लोग. तो होम्योपैथी के पास उसके लिए भी क्योर है. वायरल फीवर, कफ, निमोनिया, ये सारी चीजों भी होम्योपैथी के पास, उसके पास उसके लिए इलाज है, रेमिडीज है. इसीलिए इट्स अ रेवोल्यूशनरी नेचुरल मेडिकल साइंस. होम्योपैथी इज वेरी जेंटल एंड इफेक्टिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन. इट्स रेमिडीज आर डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंसेस टू अ प्रिसाइज स्टैंडर्ड एंड वर्क फॉर इन्वेगरेटिंग एंड स्टिमुलेटिंग द बॉडीज ओन हीलिंग पावर. बॉडी की खुद की जो हमारी एनर्जी होती है, बाहर भी एनर्जी होती है, ये एनर्जी को जब हम बैलेंस करके चल सकते हैं तो हम लोग एक लाइफ में बिना कोई बीमारी के ब्यूटिफुल, हेल्दी और अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं. तो होम्योपैथी है ना, वो जेंटली और बहुत ही इफेक्टिवली, भले वो एकदम जेंटली है पर इफेक्ट उसका बहुत अच्छा है. इस तरह से वो हमको बॉडी के जो एनर्जी लेवल्स जहाँ पे भी बैलेंस डिस्टर्ब होती है, हमारी जो वाइटल फोर्स, जो लिविंग फोर्स, जो एनर्जी हमारे अंदर है जो बाहर के वातावरण से डिस्टर्ब होती है, उसको बैलेंस करके उसको जेंटली और इफेक्टिवली बैलेंस करने का एक सहारा देती है, एक सपोर्ट देती है. सो दीज होम्योपैथिक रेमिडीज आर फ्रॉम द नेचुरल फॉर्म्स विच आर प्रिपेयर्ड, और वो मिराकुलसली हमारे बॉडी को अडेप्ट करने के लिए काम करती है. हमको समझ में भी नहीं आता है कि कब हमारी बॉडी ये तनाव से के साथ अडेप्ट हो गई, ढल गई उसके अंदर, पर उसमें बहुत ही पावर होता है.
Homeopathy works in a dynamic manner and helps balance the vital force of an organism that is disturbed and causes the disease condition. ये भी एक fast ही काम करता है. ऐसा जो हमारी मायने है कि होम्योपैथिक बहुत स्लो है, ऐसा नहीं है. होम्योपैथिक भी एनर्जी फॉर्म में है तो वो भी डायनामिकली काम करता है. इट वर्क्स ऑन द वाइटल फोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज डिस्टर्ब दैट कॉजेज मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिजीज. होम्योपैथिक मेडिसिन आर मेड थ्रू अ स्पेसिफिक फार्मोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन एंड विगरस टेकिंग दैट वर्क एज एन एनर्जी मेडिसिन फॉर माइंड एंड बॉडी. होम्योपैथिक मेडिसिन आर बोथ एक्सट्रीमली स्मॉल इन डोज एंड येट एक्सट्रीमली पावरफुल इन द थेरेप्यूटिक इफेक्ट. You can refer it to an atomic bomb as an energy, extremely small dose of a bomb. In actual fact, carries a lot of power, a very real power produced by having atoms smash against each other. Homeopathic medicines कैसे बनाते हैं? उसको हम लोग potentization बोलते हैं. उसको vigorously कोई भी एक जो energy form में कोई भी एक धरती के ऊपर any element existing on the earth in the form of plant, animal, mineral, bomb. Whatever, उसको लेके हम लोग उसको जब भी विगरिशली चारकोल में शेक करके उसको सक्सेशन बोलते हैं. बहुत टाइम्स, जितने टाइम मतलब 1000 times, 100 times, 10,000 times जितना शेक करते हैं उस तरह से उसको शेकिंग करके एनर्जी फॉर्म में मेडिसिन को बनाया जाता है. और उसको मदर टिंक्चर और अलग अलग पोटेंसीज का नाम दिया जाता है. जैसे एलोपैथिक में मिलीग्राम्स होता है, ग्राम्स होता है, उस तरह से होम्योपैथिक में पोटेंसीज होती है जिसको हम मदर टिंचर इज कॉन्सेंट्रेटेड एक्चुअल फॉर्म 30, 200, 1 mm, 10 mm, 50 mm, cm इस तरह से उसकी पोटेंसीज दी जाती है. तो इसको हम लोग है ना बिकॉज इट इज इन एनर्जी फॉर्म यू कैन कंपेयर इट टू एटम बॉम्ब. एक एटम बॉम्ब जब पड़ा रहता है ना तो ऐसा लगता है कि ये क्या काम करेगा, बट एक्चुअली जब वो फटता है तो पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय करने की उसकी ये क्षमता रहती है. तो होम्योपैथिक मेडिसिन है ना वो एनर्जी फॉर्म में उसको जमा करके उस तरह से रखते हैं कि जैसे ही हम उसको उसके टंग के ऊपर हम रखते हैं तो नर्व के द्वारा एब्जॉर्ब होके वो बॉडी के अंदर अपनी वाइटल फोर्स जो एनर्जी हमारी डिस्टर्ब हुई है उसको बैलेंस करने में हेल्प करता है. तो छोटी सी गोली बड़ा काम करके देती है. छोटा सा अमाउंट बहुत कम लगता है पर बहुत इफेक्टिव रहता है और बहुत ही नेचुरल फॉर्म में है. हमारे साथ मेरी मेंटर है डॉक्टर गीता पंजाबी, उनका कहना था, उन्होंने मुझे सिखाया था कि मान लो कि एक बकेट में हम बहुत सारी आत्माएं रख देते हैं तो बॉडी है ना वो अपनी आत्मा जो है ना वो अपनी खुद का शरीर ढूंढ लेगी. मतलब कि अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं तो उसका साइड इफेक्ट तो है नहीं. समझो कि गलत दे दी तो वो उड़ जाएगी बिकॉज इट्स इन एनर्जी फॉर्म, इट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द बॉडी. बट इफ इट इज रिक्वायर्ड एंड इफ यू आर पुटिंग लाइक 2, 3, 4 मेडिसिन इन दैट तो जो भी बॉडी को रिक्वायरमेंट जितनी जरूरत होगी जितनी पोटेंसी में वो हिसाब से वो ले लेगा. इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते. सो यू कैन इमेजिन द पावर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन. इट्स रियली वेरी एक्सट्रीमली पावरफुल एंड इट वर्क्स आल्सो वेरी फास्ट इन अ डायनामिक वे. इट इज नॉट स्लो, जस्ट दैट तुम्हारा डायग्नोसिस परफेक्ट होना चाहिए. डायग्नोसिस मतलब क्या, कभी कभी क्या होता है कि क्या कारण से हुआ, या तो कभी कभी हमको लेना पड़ता है कि क्या इफेक्ट हो रहा है इसके ऊपर, या कभी कभी हमको लेना पड़ता है कि क्या सप्रेशन की वजह से हुआ है, या क्या मानसिक स्थिति या इमोशनल सप्रेशन या केमिकल्स या फिजिकल कॉजेस से जो भी चीजें दबाई गई है सप्रेस हुआ है हमको उसका कारण ढूंढना पड़ता है. तो ये इसके बहुत सारे अलग अलग जो है हर रेमेडी के अलग पहलू होते हैं देखने के, वो हम आगे देखेंगे. होम्योपैथी सेल्फ हेल्प एट होम. होम्योपैथी इज अ नेचुरल ट्रीटमेंट इजी ऑन पीपल एंड द एनवायरमेंट. Homeopathic remedies are absolutely non-toxic and require minute amounts of treatment. For example, if you prepared a remedy from a drop of arnica tincture, मतलब कि दवाई अगर हम थोड़ी सी बूंद भी डाल देते हैं, एक बूंद दो बूंद भी काफी रहती है उसके इफेक्ट लाने के लिए. It would provide many medicine for many people for years. ये खराबी नहीं होती है, ये सालों साल आपको helpful होती है. Homeopathy works on the principle like cures like. Peeled onions normally cause the eyes to tear. A homeopathic remedy prepared from onions may alleviate. जैसे कांदे का रस ले लो, कांदे के रस में potentize करके हम उसको अगर उसकी medicine बनाते हैं उसमें से, तो अगर आपको conjunctivitis है, आंख लाल हो रही है या पानी जा रहा है आंख से, जो symptoms कांदे के रस से create होते हैं, तो homeopathic medicine अगर वो उसको energy form में बना के अगर हम वो मेडिसिन लेते हैं तो हमारी कंजंक्टिवाइटिस क्योर हो जाती है, ठीक हो जाती है, बिकॉज बॉडी में जो जो जिस चीज ने डिस्टर्ब किया
वही चीज उसको क्योर करती है. सो होम्योपैथी का प्रिंसिपल जो है बेसिकली इट इज लाइक क्योर लाइक सिमिलम करंटर सिमिलर ऐसा बोला जाता है. तो ये आपको बहुत सारे रिलीफ देती है जैसे सिम्टम्स होते हैं एलर्जी के एंजाइटी ग्रीफ ट्रॉमा जैसे कुछ लग गया हो डिप्रेशन मेंस्ट्रुअल मेनोपॉजल कंडीशन स्लीपिंग डिसऑर्डर बेड वेटिंग कॉमन चाइल्डहुड एलिमेंट्स जैसे दांत आते हैं डायरिया हो जाता है ये सारी जो चीजें होती है बच्चों की बिहेवियरल डिसऑर्डर्स एडीडी एडीएचडी अटेंशन डेफिशिट हाइपर डिसऑर्डर हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ये आजकल बहुत सारे बच्चों में पाया जाता है स्कूल के स्ट्रेस की एग्जाम्स की वजह से. ये सारी चीजें एलर्जी बहुत होती है लोगों को एंजाइटी बहुत होती है स्ट्रेस लेवल्स बहुत है तो ये सारी चीजों में ये सारी जिद्दी चीजें होती है बहुत जल्दी से जाती नहीं है. ऐसी चीजों में भी होम्योपैथी उनको उनके जो सिम्टम्स है उनकी कंडीशंस है बीमारियां है जो छोटी छोटी है पर वो आगे चल के बड़ी हो सकती है तो उसको जब हम वहीं पे टैकल करें तो होम्योपैथी उसको ब्यूटीफुली हेल्प करता है. अकॉर्डिंग टू होम्योपैथ सिम्टम्स आर आवर बॉडीज वे ऑफ ब्रिंगिंग अटेंशन टू आवर डिजीज. होम्योपैथी में हम लोग ये मानते हैं कि जब भी कोई सिम्टम आता है गुस्सा आया या डिस्टर्ब हुए डिप्रेशन हुआ इरिटेशन हुआ एलर्जी हुई कोई भी जैसे हाइपर एक्टिविटी बच्चों में है तो वो सारे सिम्टम्स जो है वो सारे एक संकेत है हमको बताने के लिए कि शरीर के अंदर अभी कुछ चेंज आ रहा है जिसपे हमारे शरीर को अडेप्ट करने की जरूरत है. दीज आर द नेचर्स वार्निंग साइंस ऑफ ट्रबल फ्रॉम विद इन. अगर हम उसको वहीं पे वहीं रोक नहीं लेते हैं या उसकी उसको सोल्यूशन नहीं देते हैं मे बी इट इज अ होम्योपैथिक सोल्यूशन मे बी इट इज अ होलिस्टिक सोल्यूशन पर अगर हम उसका सोल्यूशन तभी के तभी वहां पे सोचते नहीं उसके बारे में तो आगे चल के वो बड़ा हो सकता है. सिम्टम्स आर ऑफन अ वे फॉर अ बॉडी टू ट्राई एंड री इम्पोज ऑर्डर एंड बैलेंस दे आर नॉट द डिजीज इटसेल्फ. ये जो सिम्टम्स है ना वो आपको संकेत देता है कि अभी तुमको बैलेंस करने की जरूरत है पर वो बीमारी नहीं होती है. बीमारी इटसेल्फ जो होती है वो तो काफी टाइम के बाद हमको दिखती है पर वो भी ये जो ये सिम्टम्स जो होते हैं ना उसको हम जैसे अभी छींक आ गई तो सर्दी होने वाली है इसका सिम्टम है. सर्दी हुई नहीं है पर छींक आती है तो डर लगता है ना सर्दी हो जाएगी. सेम वे उसको सिम्टम्स बोलते हैं और जब हम ये सिम्टम्स को दबाते हैं तो बीमारी अंदर चली जाती है. अगर हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो वही बीमारी डीपर अंदर गहरी चली जाती है. The body is always working in its own best interest to inform us when something is not right. जब कुछ गलत होता है ना तो हमारे माइंड को हमारे बॉडी को समझ में आ जाता है कि हाँ कहीं कुछ गलत हो रहा है. कभी कभी हम उसके लिए बेध्यान हो जाते हैं कभी कभी हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं और जब हम एक्चुअली क्या करते हैं बीमार होते हैं तब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं. तो किसी भी चीज को ज्यादा एग्रीवेट ना करें और ये जो होम्योपैथी होम है उसका आप ऑन एंड ऑफ फायदा ले बिकॉज इट इज वेरी सेफ. इट विल हेल्प यू टू बैलेंस योर एनर्जी व्हाट इज डिस्टर्ब्ड राइट देन एंड देयर. हु इज अ अभी हम थोड़ा होम्योपैथी की हिस्ट्री के ऊपर जाएंगे. द फाउंडर ऑफ होम्योपैथी वॉज मिस्टर सैम्यूल हैनेमैन. ही इज द वन ही वॉज अ जर्मन साइंटिस्ट जर्मन फिजिशियन था जिन्होंने ही फर्स्ट कॉइन्ड द वर्ड होम्योपैथी. होम्योस मी ग्रीक में उसको बोला जाता है सिमिलर. सिमिलर मतलब उसको मिलता जुलता जो रेमिडीज हमारी है जो दवाई है मेडिसिन बनाई है इट इज सिमिलर टू एनी एलिमेंट एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ इसलिए उसको सिमिलर बोलते हैं. इसको ग्रीक में होमियोस बोलते हैं. पैथोस मींस सफरिंग इसलिए होम्योपैथी का नाम पड़ा. होम्योपैथी इज अ सिस्टम ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस दैट ट्रीट्स अ डिजीज स्पेशली बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ माइन्यूट डोजेस ऑफ अ रेमेडी दैट वुड इन लार्जर अमाउंट प्रोड्यूस इन हेल्दी पर्सन सिम्टम्स सिमिलर टू डोज ऑफ द डिजीज. इन्होंने जो हमारे जो गुरु है मिस्टर सैम्यूल हैनेमैन जो जिन्होंने होम्योपैथी को डिस्कवर किया 18th सेंचुरी में डिस्कवर किया था तो उन्होंने तभी जितनी भी रेमेडीज मतलब जब उनको पता चला जब ही मलेरिया का सिविल वॉर में आउटब्रेक हुआ था दैट टाइम क्विनिन का छोड़ लेके बहुत सारे सोल्जर्स को उन्होंने ट्रीट किया था और उनको मलेरिया से बचाया था जो एपिडेमिक निकला था मलेरिया का तभी होम्योपैथी की डिस्कवरी हुई थी. तो उन्होंने जब ये देखा तो एज आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उन्होंने बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स लेके अपने ऊपर एडमिनिस्टर किया मतलब लिया उसको और देखा कि कैसे वो अपने बॉडी के ऊपर काम करता है अपने माइंड के ऊपर काम करता है. और उन्होंने बहुत सालों तक बहुत सारी
ऐसे एलिमेंट्स एक-एक एलिमेंट लेके उनका पूरा ये नोट बना के उसके माइंड सिम्टम्स, उसके फिजिकल सिम्टम्स, बॉडी के ऊपर क्या सिम्टम्स हो रहे हैं, कैसा उनको महसूस हो रहा है, क्या उन्होंने वो दवाई लेने से क्या प्रोड्यूस किया बॉडी के अंदर, एक हेल्दी पर्सन के अंदर क्या प्रोड्यूस किया ना, वो हिसाब से उन्होंने पूरा ये होम्योपैथी का की रचना की. तो बिकॉज इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल लाइक क्योर्स लाइक. सो व्हाट अभी हम लोग मतलब ये तो समझ में आ गया कि व्हाट इज एग्जैक्टली अ होम्योपैथिक सिस्टम, क्या है मेडिकल प्रैक्टिस की, वो बीमारी को कैसे काम करती है, कितने माइन्यूट डोज में अच्छा सा रिजल्ट देती है, और जिस तरह से एक हेल्दी इंसान के अंदर वो एक छोटा सा डोज कुछ चेंजेस ला सकता है, उसी तरह जो एक डिजीज या अनहेल्दी पर्सन है उनके माइंड बॉडी और इमोशनल सभी लेवल पे ये काम करके वो कितना बड़ा उसको इफेक्ट ला सकता है, कितना छोटा डोज कितना ब्यूटीफुल अच्छा मिरेकुलस रिजल्ट्स ला सकते है. ये अभी तक हमने अभी समझा. नाउ वी विल गो टू एक्चुअल थोड़े थोड़े शब्द जो आपको समझ में आने चाहिए टू डायग्नोज योर प्रॉब्लम प्रॉपरली. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्यूट डिजीज, हम लोग एक्यूट और क्रॉनिक समझेंगे. एक्यूट जो होता है वो फास्ट ऑनसेट होता है, एक्यूट जो होता है वो लाइफ टाइम हमारे साथ नहीं रहता, जैसे सर्दी जुकाम हो गया, बुखार आ गया, फ्रैक्चर हो गया, ये सारी एक्यूट प्रॉब्लम्स है, थोड़े समय के बाद वो हमेशा जिंदगी भर हमारे साथ नहीं रहते. क्रॉनिक जो होता है वो सिम्टम्स है ना जाते ही नहीं है, बार बार आते रहते हैं और कभी कभी हमारे साथ सालों साल रहते हैं. अक्यूट इज सेल्फ लिमिटिंग डिजीज, फास्ट ऑनसेट, एक टिपिकल पैटर्न फॉलो करता है, इधर कंप्लीट रिकवरी और डेथ, कभी कभी एक्यूट डेथ भी हो जाती है, जैसे हार्ट अटैक आ गया तो इट्स एन एक्यूट, फास्ट ऑनसेट हुआ पर वो क्योर नहीं हुआ और डेथ में रिजल्ट हो गया. मोस्ट रिकवरी इन एग्जाम्पल्स माइट बी कफ, पर अगर हम किसी को समझो कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, तो वो क्रॉनिक प्रॉब्लम है. आर्थराइटिस है तो ये क्रॉनिक प्रॉब्लम है. एजिंग है, इट्स अ क्रॉनिक प्रॉब्लम. तो इसको हम मैनेज कर सकते हैं एवरी टाइम बैलेंसिंग द वाइटल फोर्स दैट इज डिस्टर्ब, जो हमारी एनर्जी डिस्टर्ब हुई उसको बैलेंस करके हम लोग उसको मैनेज कर सकते हैं, पर वो हमारे साथ जिंदगी भर जुड़ा रहता है. दैट मीन्स कि हमको हमेशा वो चीज का ध्यान रखना है कि उसके कारण से हमारी अनएक्सपेक्टेड जल्दी डेथ ना हो जाए या हम लोग ज्यादा सफर ना करें. हैनमैन बिलीव acutes were easier to treat as there is often a specific remedy for a specific condition which will fit the majority of cases. bahut sare cases ko ek sath ikhatta karke unhone ye samjha, and he believes and even I believe and everybody should believe ki acute jo hota hai na usko treat karna bahut aasan hota hai, bahut jaldi se usko ek specific remedy uske liye mil jati hai humko, aur usse hum majority matlab almost 70 80 90% cases ko वही कैटेगरी में डाल के हम उसको ट्रीट कर सकते हैं. क्रॉनिक सिम्टम्स जो होता है वो जल्दी क्लियर नहीं होता है, चेंज इन नेचर एंड लास्ट अ लॉन्ग टाइम, ऑनगोइंग कंडीशंस ऑफ इल हेल्थ, जैसे मैंने आपको बताया आर्थराइटिस, अस्थमा, पार्किंसंस डिजीज, ये सारे क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं. अब हम आते हैं एक्चुअल रेमेडीज के ऊपर. आर्निका है, आर्निका तो बहुत सारे लोगों को पता ही होगा, जिनको जिनको होम्योपैथिक में इंटरेस्ट है वो डेफिनेटली आर्निका के बारे में सब जानते ही होंगे. प्रोबेबली इज द बेस्ट नोन होम्योपैथिक रेमेडी इन द वर्ल्ड ट्रॉमा इन ऑल इट्स फॉर्म्स. ऑल इट्स फॉर्म्स मतलब मदर टिंचर में या उसका पौधा लेके लगा दिया, उसकी ऑइंटमेंट लेके लगा दी, एनी फॉर्म इज द बेस्ट रेमेडी फॉर इंजरी, फॉर ब्लोज, इंजरी, फॉल्स, ब्रूजेस, एक्सेलेंट रेमेडी फॉर शॉक इंक्लूडिंग इमोशनल शॉक. डोंट अंडर एस्टिमेट द सिवियरिटी बिकॉज एक्सेलेंट रेमेडी फॉर शॉक मतलब समझो कि किसी का किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई, अचानक से उसको शॉक लगा, किसी के प्रेगनेंसी में उसको मिसकैरेज हो गया, सेवेंथ एथ मंथ, इट्स अ मेंटल इंजरी, इट्स अ इमोशनल शॉक टू दैट पर्सन. सो ऐसी चीजों में आर्निका वर्क्स ब्यूटीफुली बिकॉज इट्स ऑल्सो मेंटल एंड इमोशनल शॉक. समबडी इज स्क्रोलिंग ऑन द स्क्रीन, आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज अवॉइड दैट एंड रब इट ऑफ एंड डोंट डू इट अगेन, इट्स डिस्टर्बिंग एवरीबडी. I think you have accepted the request control button. I think you need to stop that. It's okay. Muscular soreness, arnica is also very good for. We can always edit it after. It's okay. Somebody is not understanding. We can't help it. Muscular soreness,
में भी आर्मी का बहुत अच्छा है, जैसे किसी को बहुत पिटाई कर दी, मम्मी ने बच्चे को मार दिया या हस्बैंड ने वाइफ को पीट दिया, कहीं पर पिटाई हो गई, तो आर्मी का वैसी मस्कुलर सोरनेस जो हो जाती है उसमें भी बहुत अच्छा है. रेस्टलेस, कैन गेट कम्फर्टेबल, मे मूव अबाउट अ लॉट, मे फील द बेड इज टू हार्ड एंड अनकम्फर्टेबल. जैसे बेड में रेस्टलेसनेस होती है ना, उसके लिए भी बहुत ही ब्यूटीफुल रेमेडी है. ज्यादातर ये इमोशनली ही अटैच्ड होती है, जो रेस्टलेसनेस है इज बिकॉज ऑफ सम इमोशनल डिस्टर्बेंस दैट दे कैन नॉट इवन स्लीप इन द बेड प्रॉपरली ड्यू टू सम हर्ट दे हैड इन देयर माइंड. पोस्ट सर्जरी इट स्पीड्स रिकवरी, सर्जरी के बाद भी ये ले सकते हैं, इट्स वेरी ब्यूटीफुल फॉर स्पीडी रिकवरी. डेंटल प्रोसीजर्स के बाद ले सकते हैं, लेबर के बाद ले सकते हैं, छोटी मोटी अक्यूट एंड क्रॉनिक इंजरीज में ले सकते हैं. आर्मी का क्रीम जो है वो ब्रोकन स्किन के ऊपर नहीं यूज करना है, बहुत जलेगा, बहुत अच्छा नहीं है उसके लिए. वेन द सिम्टम्स अग्री, आर्मी का कैन ऑल्सो बी यूज फॉर गाउट, इन्फ्लुएंजा एंड बॉइल्स. Only when the symptoms agree. तो ये आपको डॉक्टर को पूछ के ही लेना, अगर लगाना है या खाना है तो गाउट, इन्फ्लुएंजा या बॉइल्स के लिए अगर आप अर्नी का यूज करते हैं तो उसका बेसिकली मेंटल और फिजिकल पिक्चर ध्यान में रखिए, दैट इज ऑल्सो ओके. कट्स और लैसरेशन में भी बहुत अच्छा है, कट हो जाता है ना, चाकू लग गया या कुछ लग जाता है तो उसमें भी बहुत अच्छा है. इसमें आपको क्या करना है, एक कॉटन स्वाप है या ऐसा नॉन फ्लफी क्लॉथ होता है, उसमें आर्मिका के मदर टिंचर के थोड़े से ड्रॉप्स लेके वहां पे आप इंजरी जहाँ पे हुई है वहां पे दबा के रखेंगे, तो जब तक ब्लीडिंग बंद होती है वहां पे दबा के रखे, उससे आपको जल्दी ठीक होता है. एंड वही फिर आप उसको ड्रेसिंग की तरह भी यूज कर सकते हैं. अगर आपको लगता है कि उसमें इन्फेक्शन होने वाली है, कहीं पे कट हो गया या वुंड हो गया है उसमें इन्फेक्शन होने वाली है, तो फिर आप डॉक्टर्स को मिले, इन्फेक्शन का रिस्क अपने आप ना ले. इसके डोजेस होते हैं 30, 200, 1 mg, 4 पिल्स एवरी 2 to 4 आवरली इन एन इंजरी. फॉर कट्स एंड लैसरेशंस मदर टिंचर का जो मैंने जैसे स्वाप बताया वैसे आपको लगाना यूज करना है. नाउ वी कम टू कैलेंडुला, दिस इज अनदर ब्यूटिफुल रेमेडी फॉर वुंड हीलिंग और इंजरी के लिए. आर्मी का जो है वो घाव के लिए यूज होता है, कैलेंडुला जो है वो घाव को हील करने में फास्ट करता है और हेल्प करता है. हील्स वुंड क्विकली, रिड्यूसेस पेन इन अ वुंड, हेल्प्स प्रिवेंट इन्फेक्शन. अगर आप आर्निका के साथ में जब ड्रेसिंग करते हैं तो कैलेंडुला का ऑइंटमेंट भी लगा देते हैं तो इन्फेक्शन जल्दी से नहीं होगा. पोस्ट सर्जरी भी यूज होता है, इसके माउथ वॉश बना के हम लोग डेंटल एक्सट्रैक्शन के बाद भी यूज कर सकते हैं. इट कैन बी यूज फॉर रक्चर्ड ईयर ड्रम्स, और अगर या तो आंख में कभी कुछ फॉरेन बॉडी लग जाता है तो कैलेंडुला खा सकते हैं हम लोग. पेज स्किन, इट हेल्प्स टू हील अल्सरेशंस ऑफ द स्किन. इफ इज द नंबर वन रेमेडी इफ अ मसल इज एक्चुअली टोन एज अपोज टू स्ट्रेन. स्ट्रेन और स्प्रेन समझ में आता है, जैसे मोच आ गई उसको स्ट्रेन और स्प्रेन बोलते हैं. मोच आ जाती है ना वो नहीं, बट एक्चुअली जब ये मसल टेयर होता है जैसे लिगामेंट टेयर हुआ तो उसमें भी कैलेंडुला हम दे सकते हैं. सूज बर्न, बर्न हो जाता है तो कैंसरिस और कैलेंडुला दोनों अच्छा काम करता है. कैन बी यूज एज अ टिंचर और इन अ टैबलेट फॉर्म, टैबलेट फॉर्म मतलब पिल्स. व्हेन द सिम्टम्स एग्री, कैलेंडुला कैन बी यूज फॉर स्टमक अल्सर्स ऑल्सो. स्टमक अल्सर्स है तो कैलेंडुला इंटरनली हील करेगा, अंदर की जो इंटेस्टिनल लाइनिंग है उसको भी हील करेगा. द डोजेज आर 30, 200, 1 mg फॉर वुंड हीलिंग. फॉर बर्न्स, सोर्स, फिशर्स एंड अब्रेजंस यूज कैलेंडुला क्रीम which has to be non-petroleum based. Medicine का calendula ointment जो आज की तारीख में market में मिल रहा है is the best calendula ointment and you should have a calendula ointment at home. Sofarmycin को replace कर दो, this is more better and more natural form and more beautiful also. अब आते हैं hypericum. Hypericum को हम लोग nerve remedy बोलते हैं basically. It's a nervous remedy. Injury to nerves, जैसे जहां पे समझो कि उंगली क्रश्ड इंजरी हो गई, मशीन के अंदर उंगली कट गई तो वहां पे नसें भी कट जाती है, नसों को भी इंजरी हुई है. ऐसी इंजरी में या कभी स्पाइन में वो लोग सर्जरी करते हैं या हर्पीज में, जैसे यू नो एक लवलब पेन होता है, जैसे नस में अगर इंजरी होती है ना तो देर इज दिस पेन विच इज डिस्क्राइब्स एज लवलब. तो वैसे पेन में हाइपरिकम वर्क्स वेरी ब्यूटीफुली.
रेडिएटिंग पेन, शूटिंग पेन होती है, क्रस्ट इंजरी जैसे मैंने बताया, एम्पुटेशन, किसी का गैंग्रीन होने के बाद वो फुट एम्पुटेशन करते हैं, या एक्सीडेंट के बाद कुछ एम्पुटेशन किया है उसके बाद में उनको गहरा दर्द होता है, रूट कैनाल हो, डेंटल, वो दांत निकाले ऐसे कोई जिसमें कहीं पे नर्व इंजरी हो गई हो तो लवलब पेन होगा, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे इंजरी में हाइपरिकम वर्क्स ब्यूटीफुली, इट वर्क्स अमेजिंग। इट्स आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रेमेडीज फॉर हेड और स्पाइन इंजरी, स्पाइनल इंजरी के लिए भी बहुत ही अच्छा है, पर उसमें नर्व की पेन इन्वॉल्व होनी चाहिए, दैट इज वॉट यू शुड लुक फॉर। After childbirth, hypericum can help with the after effects of an episiotomy or an epidural. Epidural injection देते हैं delivery के time पे, तो उसकी भी जो दर्द काफी सालों तक बहुत ladies को रहती है, तो immediately अगर after childbirth अगर हम लोग hypericum ले लेते हैं तो उसमें काफी आराम रहता है। Routinely given after root canal, tetanus के लिए भी बहुत अच्छा है remedy, और अगर animal bite या sting इंसेक्ट स्टिंग होता है जिसमें नर्व इन्वॉल्व है और नर्व का पेन हो रहा है तो हाइपरिकम इज वेरी गुड। हर्पीस के पेन के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है, रिलीफ बहुत देता है हर्पीस के पेन में। व्हेन द सिम्टम्स अग्री, हाइपरिकम कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर ट्राइजेमिनल पेन एंड हेमोरॉइड्स। हेमोरॉइड्स मतलब पाइल्स, ब्लीडिंग पाइल्स वगैरह होते हैं, या जिसमें अगेन पाइल्स में भी नर्व इन्वॉल्व है, साथ में नसें भी है इन्वॉल्व और वो दर्द उस तरह का है, तो उसके साथ में दूसरी भी रेमेडीज है जैसे नाइट्रिक एसिड वगैरह देते हैं, पर ये हाइपरिकम भी हम दे सकते हैं। तो इट इज इन द डोज ऑफ 30 मदर टिंचर, 4 पिल्स, 4 टाइम्स डेली। सिंस हाइपरिकम 30 या तो मदर टिंचर में बेस्ट काम करता है। देन वी कम टू सिम्फाइटम। सिम्फाइटम इज अ वेरी ब्यूटीफुल रेमेडी फॉर फ्रैक्चर्स। ये फ्रैक्चर को जल्दी हील करने में बहुत ही हेल्प करता है। तो किसी को भी फ्रैक्चर होता है ना, तो भले उसको प्लास्टर भी लगा हो या कुछ भी हो, बिकॉज अगर हम सर्जरी भी करते हैं फ्रैक्चर के लिए या नहीं करते हैं, कुछ भी प्लास्टर लगाते हैं, बट स्टिल नेचर हैज इट्स ओन वे ऑफ यूनियन ऑफ द फ्रैक्चर। जो फ्रैक्चर है बोन को हील करने के लिए 1-1.5 महीना लगता ही लगता है, वो नेचर का अपना प्रोसेस है। आपने सपोर्ट दे दिया, स्लिंग दे दिया, वो उसको सपोर्ट करेगा कि ज्यादा उसको तकलीफ ना हो जो फ्रैक्चर इंजर्ड पार्ट है, पर उसका जो हीलिंग प्रोसेस है अगर हम सिम्फाइटम देते हैं तो हीलिंग प्रोसेस जो 1.5 महीने में हील होना है वो 1 महीने में हो जाएगा, इतना ब्यूटीफुली काम करता है। और कोई कोई जैसे हिप फ्रैक्चर वगैरह है उसमें तो कोई प्लास्टर नहीं लगा सकते हैं, तो वैसे टाइम पे भी हम लोग उनको एक फ्रैक्चर की कॉम्बिनेशन मेडिसिन बना के उसमें सिम्फाइटम जरूर डालें। इंजरीज टू द आईज फ्रॉम ब्लंट फोर्स ट्रॉमा, एक पहले आगे भी आई थी आर्निका, नाउ अगेन दिस इज ऑल्सो फॉर द ब्लंट फोर्स ट्रॉमा टू द इंजरी टू द आईज, तो दोनों भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दे सकते। इंजरीज टू द ऑर्बिट ऑफ द आई और एनी फेशियल ब्लो, एक मुक्का मारा आंख के नीचे काला काला हो गया तो वहां पे भी हम सिम्फाइटम दे सकते हैं। हेड इंजरी वेस्कल इज फ्रैक्चर, इसका भी डोज है मदर टिंचर, 4 पिल्स 4 टाइम्स डेली फॉर 1.5 मंथ इन फ्रैक्चर। नाउ वी कम टू रस्टॉक्स, इट्स एन एक्सेलेंट एंटी इंफ्लेमेटरी रेमेडीज फॉर स्ट्रेन्स एंड स्प्रेन्स ऑफ एनी एरिया। रस्टॉक्स जो है ना, वहाँ मैंने सुना है कि बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे पब्लिक भी ओवर द काउंटर मतलब ओटीसी में दे यूज रस्टॉक्स फॉर जॉइंट इन्फ्लेमेशन, आर्थराइटिस के लिए बहुत ब्यूटीफुल रेमेडी है, बहुत लोगों को इससे बहुत फायदा हुआ है बिकॉज इट इज एन एक्सीलेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी। सूजन जो है ना वो इमिजिएटली कम करता है, तो ये जो सूजन हमारे जॉइंट्स में आती है ना वो हमारे कहीं ना कहीं मेंटल पिक्चर में भी होता है। जॉइंट जो होते हैं ना, इट्स अ ऑर्गन फॉर लोकोमोशन, हमको लोकोमोशन के लिए हेल्प करता है, चलने के लिए हेल्प करता है, तो जब हमारे जॉइंट्स, हमारे सांधे हमको रोक देता है, हम जो नॉर्मल चलते हैं वो चल नहीं पाते हैं, तो माइंड में भी कहीं ना कहीं वो ब्लॉकेज आता है ना कि हम एक नॉर्मल जिंदगी नहीं जी रहे, तो जो फीलिंग जॉइंट्स की होती है सेम फीलिंग जो माइंड में होती है ना, वो रस्टॉक्स उसके लिए बहुत ब्यूटीफुल काम करता है। इट इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर स्ट्रेन्स एंड स्प्रेन्स इन एनी एरिया, कहीं मोच आ गई है, कहीं सूजन है, कहीं कुछ स्ट्रेन हो गया है, सबके लिए स्टिफनेस के लिए भी प्राइमरी सिम्टम है। स्टिफनेस मतलब सुबह उठे तो पैरों के मतलब जॉइंट्स में पेन है, फिर चलने लगे ना तो धीरे धीरे हमको अच्छा ना लगने लगा, बस शुरुआत में थोड़ी स्टिफनेस थी, तो दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल इंडिकेशन फॉर रस्टॉक्स। पेन आर फेल्ट व्हेन फर्स्ट बिगिनिंग टू मूव, द पेन एंड स्टिफनेस इज बेटर व्हेन द पेशेंट हैज लिम्बर्ड अप और कंटिन्यूड मोशन, जस्ट स्टार्ट किया है मोशन और जब तभी पेन होती है
बिकॉज ऑफ द स्वेलिंग क्या होता है ना, वो एरिया कभी का यूज नहीं हुआ है और अचानक से यूज होने लगता है, तो वो स्वेलिंग है ना थोड़ा सा रोकता है लोकोमोशन को. तो उसके लिए रस्टॉक्स अगर लेते हैं तो बेटर फील करते हैं इमीडिएटली. डिस्कम्फर्ट इज ईज्ड बाय हीट एंड वार्म एप्लीकेशंस. रस्टॉक्स और ब्रायोनिया ये दो चीज है जो हम लोग को जॉइंट पेन में भी काम करती है. तो कभी कभी कंफ्यूजन होता है लोगों को कि ब्रायो लेना चाहिए कि रस्टॉक्स. तो इसकी एक और एक इंडिकेशन है कि डिस्कम्फर्ट जो है चलने में या लोकोमोशन में जो तकलीफ होती है, अगर हम उसको गर्म और ठंडा दोनों करते हैं, सेक और आइस पैक और हीट एप्लीकेशन दोनों भी करते हैं, तब वो ठीक होता है. या कभी कभी आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे और आपको बोलेंगे कि आपको दोनों करना है, 20 मिनट्स हाई हीट करना है, 20 मिनट्स आइस करना है. तो समझ लेना कि रस्टॉक्स इज द मेडिसिन फॉर यू. ओवर यूज ऑफ एनी पार्ट, जैसे कि होर्सनेस आ गई, ज्यादा ओवर यूज हो गया वॉइस और उसमें होर्सनेस आ गई, तो उसके लिए भी रस्टॉक्स मतलब इट्स बेसिकली रिलैक्स करता है. पेन्स आर टेयरिंग एंड शूटिंग, रेस्टलेस, नो पोजिशन इज कम्फर्टेबल, वर्स फॉर कोल्डनेस एंड डैम्प, ठंडी में जकड़ जाते हैं ना जोड़े ज्यादा. बैक स्ट्रेन फ्रॉम लिफ्टिंग, ये बैक पेन के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है. जिनको भी बैक एक है ड्यू टू मोर स्ट्रेन, मोर हार्ड वर्क ऑल देयर लाइफ, उनको तो हम लोग रस्टॉक्स 1 mm 10 mm हाई पोटेंसीज में देते हैं, उनको काफी आराम होता है. अगर लिफ्टिंग करने से कुछ भारी उठा लिया और अचानक से स्ट्रेन हो गई बैक में, तो उसके लिए भी रस्टॉक्स और बेलेडिना बहुत अच्छा काम करता है. व्हेन द सिम्टम्स एग्री, रस्टॉक्स माइट बी यूजफुल फॉर सोर थ्रोट, इन्फ्लुएंजा, आर्थराइटिस एंड हर्पीज. अगेन हर्पीज में भी देयर इज इन्फ्लेमेशन, तो एक एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह ये बहुत ही रिलीफ देता है. 200 1 mm 4 pills 4 times daily pill relief in symptoms. ये relief in symptoms तब तक हम लोग ले सकते हैं बहुत ही safe medicine है इसके overuse की कोई ज्यादा aggravation नहीं है. रूटा is basically for deep aching pain. अभी जो ऊपर pain होता है और ये थोड़ा deeper acting medicine है, deeper acting remedy है. तो जब हमारा पेन जो ज्यादा डीप लेवल पे जाता है, अंदर टू द लाइनिंग ऑफ द बोन्स तक जाता है, तो जब फ्रैक्चर होता है तो कभी कभी जो फ्रैक्चर कंपाउंड फ्रैक्चर है या इवन नॉर्मल फ्रैक्चर ऑल्सो, वो बोन की लाइनिंग में जाता है तभी तो वो फ्रैक्चर कहलाता है. तो वैसे डीप एकिंग पेन के लिए रूटा, रस्टॉक्स और सिम्फाइटम, ये तीन चीज हम लोग फ्रैक्चर में देते हैं. आप याद रखिए, रस्टॉक्स, सिम्फाइटम, रूटा, ये तीनों का कॉम्बिनेशन बना के फ्रैक्चर में इट वर्क्स ब्यूटीफुली. यू शुड गिव इट फॉर 1-1.5 months कंटिन्यूअसली. एक्सीलेंट फॉर टोन एंड ब्रेंचेड टेंडन्स, टेंडन टेयर होता है उसके लिए भी बहुत अच्छा है. एक्सीलेंट रेमेडी फॉर स्टिफनेस एंड इनफ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द मसल्स. मसल्स जो हमारी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पिचोटी होती है ना, नेवल के उधर मसल कभी कभी किसी को पिचोटी हट जाती है तो पहले वो कुछ वाटी लगा के करते थे. ऐसे में अगर हम उसको, बिकॉज इट इज अ स्टमक सिम्टम, तो नक्स वर्म और रूटा अगर हम देते हैं ना, तो इट कम टू इट्स ओन प्लेस बैक अगेन. ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है, आई हैव गिवन इट एंड इट हैज वर्क वेरी ब्यूटीफुली फॉर लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मसल्स एंड टेंडन्स. कार्पल टनल सिंड्रोम बहुत होता है आजकल, ओवर यूज ऑफ इंजरीज, जो आज कंप्यूटर पे बहुत काम करते हैं, टाइपिंग बहुत करते हैं, म्यूजिशियंस जो बहुत ज्यादा बजाते हैं, कितने घंटों प्रैक्टिस करते हैं, तो ये सारों को जो भी ग्रिस्ट पेन होता है उसके लिए भी रूटा बहुत अच्छा काम करता है. यूज फॉर आई स्ट्रेन एंड गैंग्लियन सिस्ट. आंखों को भी जैसे ज्यादा तनाव हो जाता है तो तभी भी हमारे मसल जो है मसल हट जाते हैं जगह से, तो तभी रूटा एक डीप एक्टिंग काम करता है. बर्साइटिस ऑफ अ ज्वाइंट, ये भी सूजन ही है ज्वाइंट का. पुलिसमैन्स हील, प्लांटर फेसाइटिस, बस कंडक्टर्स वगैरह बहुत जो चलते हैं बहुत, पुलिसमैन हील पेन होता है ना बिकॉज ऑफ द वेयर एंड टेयर ऑफ द हील, उसको प्लांटर फेसाइटिस बोलते हैं. तो उसमें भी बहुत ही फायदेमंद होता है. बहुत लोग आपके पास मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि फैमिली में कोई अगर ऐसी कंप्लेन कर रहा है और आपको पता है कि उसकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि हील उसकी बहुत ही ज्यादा एड़ी घिस गई है, तो उसको ज्यादातर ये 40-45 की एज के बाद ही होता है प्लांटर फेसाइटिस, तो उसमें भी रूटा वर्क्स ब्यूटीफुली. वर्स इन कोल्ड वेट वेदर, ये जो वर्स इन और बेटर वाई ये जो लेते हैं ना, ये एग्रेवेशन और एमेलियरेशन का सिम्टम्स बताते हैं. मतलब कि
हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं अगर वो काम नहीं करती है, या हमको अगर कंफर्मेशन चाहिए तो उससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि ओके वी कैन गिव दिस बिकॉज इट इज वर्स इन कोल्ड वेदर, इट इज वर्स बाय ओवर एक्सर्शन. मतलब एरिया ज्यादा दर्द होगी तो आपको समझ में आता है कि ओवर एक्सर्ट किया तो अभी ज्यादा दर्द हो रही है. देन देन रूटा इज द इंडिकेटेड रेमेडी. बेटर विद जेंटल मूवमेंट एंड वार्मथ लाइक रस्टॉक्स. इसके भी डोज है 200 1 mg 4 पिल्स 4 टाइम्स डेली. बेलेडोना, बेलेडोना इज अ वेरी ब्यूटीफुल रेमेडी फॉर सडन ऑनसेट और हेडेक के लिए, थ्रॉबिंग हेडेक. जब भी कोई कोई वर्ड आता है ना सडन, कोई बोलेगा अचानक से, खपाता नहीं कुछ नहीं था अचानक से हो गया. सो यू शुड अंडरस्टैंड कि इसके लिए बेस्ट रेमेडी है बेलेडोना. सडन ऑनसेट जब वर्ड आता है, फीवर ऑल्सो सडनली आ गया, हॉट टू टच एकदम धक 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 होगा, जो भी एरिया होगा ना वो भी एकदम लाल होगा, थ्रोट भी एकदम लाल होगा, बुखार भी एकदम धक धक होगा. तो हॉट टू टच इज ऑल्सो अनदर इंडिकेशन फॉर बेलेडोना. टेम्परेचर माइट बी वेरी हाई, चाइल्ड माइट बी मोर्निंग, कराता होगा बुखार से या जो भी उसको तकलीफ है उसमें से वो कराता है, बेलेडोना इज इंडिकेटेड. बोथ चीक्स आर वेरी हॉट एंड रेड, आईज विद पार्कली और ग्लासी. आईज में भी एक चमक आ जाती है बेलेडोना की, मतलब समझ में आ जाता है. पेन्स माइट बी डिस्क्राइब एज थ्रॉबिंग हेडेक. हेडेक जो होता है ना वो धक धक ऐसा धक धक मारता है ना वैसा हेडेक हो जाता है. जर्किंग व्हेन फॉलिंग एस्लीप. पेन वॉज बाई जारिंग हेड, हेड हॉट, हैंड्स एंड फीट कोल्ड. जब सर गर्म है और बाकी का बदन ठंडा है देन ऑल्सो बेलेडोना इज इंडिकेटेड. इट इज एमेलरेटेड बाई लेमिनेट सार थिंग्स. उसको जब भी नींबू पानी देते तो उसको अच्छा लगता है. That is another indication ki belladonna you can give even if it is fever mein aap nimbu pani de sakte hain. When the symptoms agree, belladonna can be useful for sore throats, headaches, mastitis, boils and sunstroke. Dose is 200 1 mg 10 mg must be. Dekho iske alawa bahut sare uses hai, sirf itne use nahi hai. Ek ek remedy ke 50 50 60 60 uses hai depending on the body symptoms. Main yahan pe aapko sirf basic symptoms bata rahi hu jo aap ghar mein इंडिकेशंस के साथ बच्चे फैमिली बूढ़े को हेल्प कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. और डोजेस भी वो हिसाब से ही दिए हैं. चैमोमिला, चैमोमिला देखो ये कितना ब्यूटीफुल फ्लावर्स है, इसमें से बनता है. चैमोमिला की टी पर टी भी आती है, ग्रीन टी विद चैमोमिला इज कमिंग. इट्स अ वेरी गुड स्ट्रेस बूस्टर, वेरी पावरफुल एंटी ऑक्सीडेंट एंड अ वेरी गुड स्ट्रेस बूस्टर. द फीवर में अकंपनिंग टीथिंग वन चीक में भी पर्टिकुलर. ये जब एक बच्चों को दांत आते हैं ना तो चिड़चिड़पना करते हैं ना, उसके लिए चैमोमिला इज वेरी गुड. और फिर जिद्दी हो जाता है बच्चा, मुझे उठाओ, और उसको जब भी झुलाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है. ये छोटे छोटे सिम्टम्स है जो बच्चों के लिए स्पेशली बहुत यूजफुल है. और बड़ों के लिए चैमोमिला इज वेरी यूजफुल इन एंगर, गुस्सा जब भी एंग्री पुट डाउन. जैसे बच्चे को भी रखते हैं तो ये इसको है ना, बड़ों का जो एंगर है वो कंपेयर करो कि जो जो बच्चा चिड़चिड़ करता है उसको जैसे नीचे रखते हैं ना तो कैसा गुस्सा करता है. जो बड़ा आदमी या बड़ा इंसान सेम उसी प्रकार का जब गुस्सा करता है ना तो समझ लेना कि चैमोमिला चाहिए उसको. कैप्रिशियस डोंट नो व्हाट दे वांट एग्जैक्टली, उनको क्या चाहिए ना वो समझ में नहीं आता है, हर चीज में जिद करता रहता है. हेडेक और अदर एग्रीवेशन फ्रॉम कॉफी. इरिटेबिलिटी मे बी अनकंसोलेबल, उसको कंसोल ही नहीं कर पाते हम. मतलब इतना इरिटेबल होता है जब इसको दांत आते हैं तो कैसी इरिटेबली होती है, उसी प्रकार का इरिटेबल इंसान भी जब होता है उसको भी चैमोमिला हम दे सकते हैं. टीथिंग पेन्स इन बेबीज और फ्रॉम विजडम टीथ एंड टूथेक इन एडल्ट्स. एडल्ट्स में भी जब विजडम टूथ आते हैं तो जो इरिटेबल होता है ना, कुछ आ रहा है मतलब तब तक हम लोग खाना ठीक से नहीं खा पाते हैं और इरिटेबल महसूस करते हैं, उसमें भी चैमोमिला हमको थोड़ा सा शांत कर देगा, हमको वो बेयर करने के लिए हमको एक शक्ति दे देगा, एनर्जी दे देगा. When the symptoms agree, chamomilla can be useful for colic in babies with stool like chopped spinach. Spinach को, पालक को अगर हम चॉप करते हैं तो वो कैसे छोटा पानी जैसा डायरिया हुआ है ना, कॉलिक हुआ है बेबीज में, तो चैमोमिला हम दे सकते हैं. Also dysmenorrhea and labor pain. मतलब पेनफुल मेंसेस में या लेबर पेन में हम लोग चैमोमिला जो स्वभाव में जो आता है ना वो टाइम पे चिड़चिड़ापन, उसके लिए वो हम साथ में दे सकते हैं. दिस इज नॉट द ओनली रेमेडी फॉर डिस्मेनोरिया एंड लेबर पेन, देयर आर मेनी अदर ब्यूटीफुल रेमेडीज. दिस इज अ मेंटल सिम्टम व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. इट्स अ लीडिंग रेमेडी फॉर एंगर और एलमेंट्स.
brought on by anger. Ailments brought on by anger मतलब गुस्से की माइंड में गुस्सा है उसकी वजह से जो हो रहा है. अगर कारण आपको एंगर लग रहा है देन चैमोमिला वर्क्स ब्यूटीफुली. एकोनाइट. नाउ दिस इज अनदर ब्यूटीफुल रेमेडी व्हिच एवरीबॉडी शुड हैव इन देयर फैमिली इन देयर हाउस. जैसे अगर एकोनाइट हैज वर्क वेरी ब्यूटीफुली इन अनकॉन्शियसनेस. कोई बेहोश हो जाता है ना उसको जैसे हम कांदा सुंघाते हैं उसको अगर हम लोग ने टंग के ऊपर एकोनाइट रख दिया ना तो वो उठ जाता है. Sudden onset symptoms start with no warning, fearful of death, anxious and fretful, restless, dry heat with high fever. ये fever के लिए भी बहुत अच्छा है. Aconite है ना, एक अंधेरी में एक doctor है. There is a dispensary just opposite the Andheri station in East. Bus depot के पास. I don't remember the pharmacy and the doctor name. But everybody and anybody is given dispensed lots and lots of medicines of Aconite. हर कोई जो पेन के लिए आता है ना उसको एक्टोनाइट 1 ml में दे देता है और उसके पेन चले जाते हैं. इट्स वेरी गुड रेमेडी फॉर पेन एक्चुअली. पैल्पिटेशंस. पैल्पिटेशंस मतलब हार्ट बीट फास्ट हो जाता है ना उसको पैल्पिटेशंस बोलते हैं. आफ्टर एक्सपोजर टू कोल्ड विंड और गेटिंग चिल्ड इन जनरल. आई गो लिटिल फास्ट. इसमें बेसिकली एक्टोनाइट में है ना एलिमेंट्स फ्रॉम फियर फ्राइट शॉक और नाइटमेयर. मतलब जो भी चीज जो पेन आपको डर के मारे या शॉक के मारे या कोई बुरा सपना देखने की वजह से आपको अगर ये पेन आया है तो एकोनाइट इज वेरी गुड रेमेडी फॉर दैट. इतना ही याद रखो आप. इंजरी भी एक सर्जिकल शॉक है उसके लिए भी एकोनाइट आपको पेन जो होता है उसके लिए रिलीफ देता है. और मेंटल और फिजिकल रेस्टलेसनेस के लिए भी बहुत ही अच्छा है. जो हम सुबह उठने में महसूस करते हैं एक मेंटल और फिजिकल रेस्टलेसनेस जो हमको लगती है दर्द से तो उसमें एकोनाइट वर्क्स वेरी नाइस. और आजकल ये सभी को है मेंटल एंड फिजिकल रेस्टलेसनेस व्हाइल गेटिंग अप इन द मॉर्निंग. सो अगर किसी को ऐसा पेन है बॉडी के अंदर तो दे कैन टेक एकोनाइट. दैट इज आल्सो वेरी सेफ. यू कैन टेक इट लॉन्गर पीरियड आल्सो. इनिशियल स्टेज और एक्यूट इन्फ्लेमेशन बिफोर पस फॉर्म्स. यू कैन सडन वायलेंट ऑनसेट पेन यूजफुल फॉर अर्ली ऑनसेट ऑफ एनी एक्यूट कंप्लेंट. कोई भी एक्यूट प्रॉब्लम होने वाला है उसके अर्ली ऑनसेट मतलब हो जाने के बाद इतना काम नहीं करेगा पर अगर आपको इमिडिएटली समझ में आ गया वायलेंट ऑनसेट पेन हो रहा है अचानक से मतलब एक बहुत ही डीप वायलेंट पेन हो रहा है और कोई अक्यूट प्रॉब्लम आने वाला है तो एकोनाइट जैसे मैंने बोला बेहोशी इज एन अक्यूट प्रॉब्लम राइट उसमें बहुत अच्छा काम करता है. व्हेन द सिम्टम्स अग्री एकोनाइट ऑल्सो मे बी यूजफुल फॉर इन्फ्लुएंजा पैनिक अटैक्स एंड रिटेंशन ऑफ यूरिन. 1 ml, 10 ml in high grade fever and pain. Hipasal, beautiful remedy for pus. Pus होता है कहीं पे भी तो उसके लिए बहुत अच्छा है. उसको मैं होम्योपैथिक में मैं और मेरे हस्बैंड है ना हिपासल को होम्योपैथिक क्रॉसिंग बोलते हैं. ऐसा बॉडी एक है फीवर में कि जो आपको क्रॉसिंग लेने से पसीना छूट जाता है और बॉडी एकदम रिलीफ हो जाता है ना अगर आपने हिपासल 1 ml में ले लिया ना आपको सेम महसूस होता है. और बच्चों को 200 में दे दो इट विल वर्क ब्यूटीफुली. द पेशेंट इज लाइकली टू फील एक्सट्रीमली कोल्ड एज इन फीवर एंड चिल्स. ठंडी लगती है बुखार में बॉडी एक होता है. देर आर ऑल्सो लाइकली टू बी वेरी इरिटेबल एंड शॉर्ट टेम्पर्ड. शॉर्ट टेम्पर्ड लोगों को ही ज्यादा मतलब जो शॉर्ट टेम्पर्ड भी होते हैं और जिसके अंदर बहुत हीट होती है वही शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं एक्चुअली. उनके लिए बहुत अच्छा रेमेडी है. फिर ये सारे थ्रोट के जो पस इन्फेक्शन होते हैं उसमें भी यही काम करता है. टॉन्सिलाइटिस अगर फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस है तो मॉक्सॉल और हिपासल दोनों देनी है. और बैड स्मेल आ रही है इन्फेक्शन की वजह से. इन्फेक्शन हुई है ना तो वो चीज बांस भी मारेगी. एक चीज समझ तो अगर बांस मारने वाली इन्फेक्शन है उसमें हिपासल इज इंडिकेटेड. सेपरेशन सेप्सिस एप्सिस बॉइल्स एक्ने इरप्शंस अस्थमा ओटाइटिस मीडिया. ओटाइटिस मीडिया में भी पानी निकलता है कान के वो जो पानी में भी बांस आती है पता चल जाता है कि इन्फेक्शन है. तो पस है और इन्फेक्शन है हिपासल इज द इंडिकेटेड रेमेडी. फिर ये आप पढ़ लेना. द पेन इज लाइक अ शार्प स्प्लिंटर स्टिकिंग इन द थ्रोट सिमिलर टू स्टक एज अ फिश बोन. कभी कभी हम लोग को फिश बोन अटक जाने वाली एक पेन होती है एक शार्प स्प्लिंटर जैसी उसमें भी हिपासल इज इंडिकेटेड. The pain might extend to the ears when the patient swallows. When the symptoms agree, it can be used for ear infection, influenza, chest pain. Doses 201 ml, higher potency, le sakte hain. I have cured one case of asthma
with HIPAA high dose. I went from 1 mm, 10 mm, 50 mm, and cm, and it got completely cured. But I gave after 1.5 years of very close observation that yes, it works, and this is the indicated remedy for complete cure. I was managing her for almost more than a year, and then when I found, due to all her symptoms agreeing, I finally decided of giving her in high potencies, and it cured amazing. It cured forever. Lycopodium, another beautiful remedy required for each and everybody today. Everybody requires this because, I'll tell you why. It's a right-sided remedy. The throat will be worse on the right side. Lokashis, बहुत बड़बड़ करने वाला लोग है. Right-sided remedy है. Right side में कुछ भी होता है, Lycopodium is indicated. उसको एक ये जो लोग होते हैं ना, generally Lycopodium nux vomica, what I have observed, what I have, मैंने अपनी 20 साल की प्रैक्टिस में I have categorized, I have analyzed in very different ways to find out good solutions for patients. उसमें Lycopodium जो है nux vomica है, I have found out that these two remedies are indicated for people born in August and September. I might sound a little bit out of the way, but yes, it works. It works amazingly. Why, I'll tell you. Because generally these are Libran or jo species hote hai, these are very balanced personalities. They are very wise, born wise, because they are balanced. जैसे वकील कैसा होता है, वकील को बहुत बुद्धि वाला होता है, स्पाइस होता है, पर वो है ना हमेशा उसको एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, उनको अपनी जो ऐसा लगता है कि मैं ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना वो पूरी नहीं कर पाऊंगा, हमेशा उसको ऐसा लगता है. तो ये जो है ना, इट्स अ टिपिकल नेचर ऑफ Lycopodium, और इसको है ना कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी भी बोलते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल इज एक टिपिकल नेचर वाले पूरे पर्सनैलिटी से मैच करता है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बोलते हैं. So Lycopodium is a very beautiful remedy. Another uska beautiful point main specifically batana chahungi with my practice and with my experience is that each and every person taking lot of allopathic medicines, agar aap aaj allopathic medicine nahi bhi lete hain, but aapne kahin na kahin aapko chemical andar gaye hai body ke andar, to Lycopodium has to be given first so that dusri remedies kaam kare acche se. बिकॉज ये सारी सेफ है, इसमें कोई आपको साइड इफेक्ट तो होना नहीं है, पर अगर आपने Lycopodium दे दिया साथ में देने के लिए, तो वो बहुत ब्यूटीफुली काम करता है, स्पेशली टू द एल्डर्स. बच्चों को तो हम लो कॉन्फिडेंस या ऐसे जो देखते हैं बच्चे, उनको दिया तो एग्जाम टाइम पे, या जिनको लो कॉन्फिडेंस फील होता है उनको हम दे सकते हैं, पर बड़ों में डेफिनेटली हमको ये देना ही देना है. यू शुड एड इफ यू आर गिविंग फॉर सम टिपिकल क्रॉनिक सिम्टम्स स्पेशली, क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी बहुत सारी केमिकल्स जा चुके, तो उनके जो होम्योपैथी का क्योर सेट करने के लिए Lycopodium इज एसेंशियल. तो दूसरे सिम्टम्स पे आते हैं, लोकेशियस लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी उनको लगता है, बिकॉज ऑफ दे विल नॉट बी एबल टू फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसके लिए उनको वीक फील होता है, उनको सामने वाला स्ट्रॉन्गर फील लगता है, इसीलिए उनको थोड़ा लो कॉन्फिडेंस लगता है, इंफीरियरिटी लगता है. हालांकि ऐसा होता नहीं है, बट अगर वो लोग लेंगे Lycopodium तो उनकी माइंड की, उनकी बॉडी की एनर्जी को वो एस्टैब्लिश करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा, और उनका जो विजडम है ना वो निखर के आएगा. एक्चुअली उनकी जो वाइजनेस है ना, वो उनके जो इंटेलेक्चुअली, वो लोग जो जितना उनको इंटेलेक्चुअल गिफ्टेड है गॉड से, दे विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट इट, प्रैक्टिकली उसको अप्लाई कर सकेंगे लाइफ में इफ Lycopodium इज गिवन. उनको थोड़ा सा पेट की हमेशा प्रॉब्लम रहती है, ब्लोटेड फील होता है, गैस बहुत बनती है, स्पेशली इन द लोअर एब्डोमेन. सो Lycopodium सेट्स इंप्रूवमेंट इन पीपल टेकिंग प्लेंटी ऑफ मेडिसिंस. डोजेज इज 200, 1 एम, 10 एम, 4 पिल्स, 3 to 4 टाइम्स डेली. 1 एम वर्क्स ब्यूटीफुली इन मेन एंड वुमेन. लाइक लैकेसिस के ऊपर आते हैं हम. लैकेसिस, Lycopodium इज राइट साइडेड complaints, and lachesis is opposite, left sided complaints. Pain always starts on the left side. Lachesis jo hai na, Hahnemann ne jab hi sir Samuel Hahnemann, when he tried lachesis, he took it in a crude form. Crude matlab raw liya tha, usko energy mein potentize karke nahi liya, homeopathic medicine bana ke nahi. To try karne ke liye unhone aise hi lachesis use kiya, to unko jo hai na idhar throat mein unko aisa choke up feel hua, कंस्ट्रिक्शन जैसा. कंस्ट्रिक्शन मतलब गला दबाते हैं तो कैसा फील होता है, कंस्ट्रिक्शन वैसा फील हुआ. एंड ऑल हिज लाइफ
he was not able to wear any tight collared shirt or anything. He had to wear a robe which would give him freedom from his throat pain. तो लैकेस इसको क्रूड फॉर्म में लेने से उनको ये हुआ था एंड तो ऐसी कंस्ट्रिक्शन सेंसेशन की जो फीलिंग हालांकि होम्योपैथिक रेमेडी से यू डोंट फील दैट बिकॉज इट इज इन एनर्जी फॉर्म इट इज वेरी सेफ यू विल नॉट फील व्हाट हैनेमैन हैड फेल्ट बिकॉज ही टुक इट इन अ रॉ क्रूड फॉर्म दिस इज इन अ होम्योपैथिक फॉर्म इट इज सेफ फॉर्म सो कंस्ट्रिक्शन सेंसेशन ऑफ द थ्रोट स्पेशली ऑफ द थ्रोट इट वर्क्स ब्यूटिफुली And the patient always wants to have cold drink. External throat might be worse for touch. Kapda aap lagayenge ya touch bhi karenge na, to usko achha nahi lagta hai. Aur body ke upar bluish purplish hemorrhage, ecchymosis, agar kuch hormonal disturbances se, agar periods mein bhi agar hum log ko dark clots ja rahe hai, aisa kuch hai. Vicarious menstruation, beech beech mein aata rehta hai menses, ke liye bahut achha hai. Suppressed menses के लिए भी बहुत अच्छा है Lachesis. 200 1 m 4 pills 4 times daily when cure sets in stop to heal naturally further so basically when the Lachesis when the cure is setting in you should stop you should not continue baki ka jo healing hai so like in menses agar menses onset ho gaya you should stop automatically fir nature apna kaam karega Mercuris is also a very beautiful remedy for mouth ulcers. मुंह में छाले आ जाते हैं ना उसके लिए acute problem के लिए beautiful remedy. The throat will be swollen and painful. वो छाले जो है ना उसकी वजह से अंदर गले में भी थोड़ी सूजन होती है ज्यादातर हमेशा टॉर्च मार के चेक कर लो अगर गला लाल है तो हम मर्कसॉल दे सकते हैं ब्यूटिफुल काम करेगा टंग पे भी स्वेलिंग और लाल है टंग भी लाल है तो मॉक्सल इज इंडिकेटेड फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस में हिपासल फॉर मॉक्सल हिपासल स्पर्श हो गया है इसके लिए और मॉक्सल जो है वो लाल हो गया है उसके लिए इट मे ऑल्सो बी इम्पॉसिबल टू स्वॉलो मतलब छाले हो जाते हैं तो हम लोग खाना खा नहीं सकते है ना ऐसी परिस्थिति में मॉक्सल लेते हैं ना अगर हर 15-15 मिनट में आधा आधा घंटे में दो दो घंटे में दिया तो वो खाना खा पाएगा उसको बेटर फील होगा देयर माइट बी प्रोफ्यूज सलाइवा विद व्हिच द अबव माइट लीड टू ड्रिबलिंग एक्सेसिव सलाइवेशन भी होता है जब भी छाले हो जाते हैं या ऐसा कुछ होता है तो ग्लैंड्स इन द थ्रोट में भी वेरी सोलन देयर कुड बी अल्सर्स इन द थ्रोट थ्रोट में भी अल्सर है तो हम ये दे सकते हैं पेट में भी अल्सर है तो भी दे सकते हैं बेसिकली अल्सर के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल रेमेडी है तो इसकी पोटेंसीज भी है यहाँ पे कंपैरेटिव स्टडीज है आप उसको बाद में रीड कर लेना वी विल बी शेयरिंग दिस पीडीएफ फाइल विद यू ऑल सो यू कैन रीड दैट कंपैरेटिव स्टडीज देन वी कम टू ब्रायोनिया ब्रायोनिया रस्ट्रॉक्स ये सारे जॉइंट पेन्स के लिए बहुत अच्छा है बिजनेस ओरिएंटेड होते हैं ब्रायोनिया का टिपिकल इंडिकेशन होता है ड्राई माउथ ये सारे जो भी लिखा है हेडेक के लिए जॉइंट पेन के लिए सभी के लिए बराबर है पर व्हेन द टिपिकल वेदर चेंज में जब स्पेशली अभी मॉनसून के बाद जब विंटर होगा ना कभी ब्रायोनिया इज इंडिकेटेड जिनको जिनको रस्ट्रॉक्स से अच्छा लगता है उनको वेदर के हिसाब से कभी कभी मैंने देखा है कि ब्रायोनिया से अच्छा होता है रस्ट्रॉक्स अच्छा नहीं होता है और उसका टिपिकल सिम्टम होता है कि साथ में देयर इज अ ड्राई माउथ पेशेंट विल बी इरिटेबल तो जेल्सिमियम इज अ ब्यूटिफुल रेमेडी फॉर स्टूडेंट्स के लिए एग्जामिनेशन के पहले जो नर्वसनेस होती है लो ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा ब्यूटीफुल है ये एक्यूट काम करता है एक्यूट मतलब आपको पहले ही समझाया मैंने आता है चला जाता है एग्जाम जो होती है तब उनको थोड़ा सा एंजाइटी फील होती है तब थोड़ा नर्वस फील होता है तभी एग्जाम के पेपर के पहले एक डोज दे दिया देन बी रिलैक्स्ड ऐसा उसके बाद में देने की जरूरत नहीं है नर्वसनेस स्ट्रेच फ्राइट एग्जामिनेशन नर्वसनेस डायरिया में जो नर्वसनेस होती है तो हम डायरिया की मेडिसिन जो ग्रुप बनाते हैं उसमें हम जेल्सिमियम डाल सकते हैं क्योंकि डायरिया होता है ना तो बार बार फ्लूइड जाता है तो डर लगता है अभी वीकनेस आ जाएंगी अभी हम लोग नॉर्मल काम नहीं कर पाएंगे ये फीलिंग जो आती है ना उसकी वजह पल्स हमारे स्लो हो जाते हैं बिकॉज ऑफ वीकनेस तो जेल्सिमियम इज गुड फॉर दैट टाइट हेड पेन लिया उसके लिए भी बहुत अच्छा है कुड बी वर्स व्हेन एंटीसिपेटिंग एन इवेंट माइट बी ब्रॉट बाय ओवर स्टडी ज्यादा एग्जाम में ज्यादा पढ़ लेने की वजह से या हम लोग एंटीसिपेशन करते हैं ये होगा और उसकी वजह से हमको नर्वसनेस होती है तो उसके लिए जेल्सिमियम जो है ना वो होने नहीं देता है और
बहुत सारे बच्चों को मैंने एग्जामिनेशन फियर के लिए दिया है एंड दे हैव स्कोर्ड अमेजिंग बिकॉज दे आर वेरी गुड एट स्टडीज, उनकी मेमोरी भी अच्छी होती है, जस्ट दैट उनको थोड़ा सा एक स्टेज फ्राइट रहता है, एक नर्वसनेस बिफोर एग्जामिनेशन रहता है, तो दे हैव सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड व्हाट दे वांटेड टू डू एंड दे हैव एक्सेल्ड. मतलब जो बच्चा 65% लाता था वो 95% लाया है विद दिस टाइप ऑफ रेमेडीज, इट वर्क्स दैट वंडरफुल. तो ये सारी चीजों में आप देख लेना. Nux worm is a all stomach complaints. Again, this is also a constitutional remedy. Very good, beautiful, excellent remedy to be used by anybody and everybody today. Stomach आपका upset है, उसकी वजह से जब आपको headache होता है, जब आपको gas होता है, acidity होता है, toxicness लगता है, nausea लगता है, कोई भी digestion disturbance होने की वजह से गैस्ट्रिक ओरिजिन से आने वाले सारी कंप्लेंट्स में Nux worm इज अ ब्यूटीफुल रेमेडी. दिस इज नॉट द ओनली थिंग व्हाट इट इज यूजफुल फॉर, मेनी अदर थिंग्स आल्सो, बट यस, सारी जो स्टमक ओरिजिन की गैस्ट्रिक, आज तो सभी को है पेट साफ तो सब बीमारी माफ है, हमें हमारी मैडम बोलते हैं, तो पेट के लिए सारी प्रॉब्लम्स जो है, कोई कोई हमको दिखती है, कोई कोई नहीं दिखती है, पर सारे प्रॉब्लम्स जब भी हमको टॉक्सिक लगते हैं, जब वो दिखने लगती है तभी Nux worm इज इंडिकेटेड. और Nux worm का जो टिपिकल नेचर होता है ना, वो लोग बहुत शौकीन होते हैं, दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ, इसमें नहीं लिखा है, बट ये लोग जो होते हैं ना वो बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड, बहुत शौकीन लोग होते हैं, मतलब फैमिली के लिए अपने लिए थोड़ा सा खर्चा वगैरह मतलब अच्छे से कर लेते, बिकॉज दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ दैट. सो इम्पेशेंट होते हैं, Nux worm people are very impatient or intolerable, उनको tolerate नहीं होता है, पर वो लोग family के प्रति बहुत ही सहानुभूति रखते हैं, they're very loving people in the family, family में सब लोग उनको बहुत चाहते हैं. Headache from coffee, ये सारा पढ़ लेना, I think that's more, acidity होती है उसमें भी बहुत अच्छा है, heartburn. So the doses is 30, 200, 1 mg, और जो आगे की remedies से हमको compare करना है वो आप बाद में पढ़ लेना. Allium sepa. Allium sepa is what? Onion ka kande ka ras, watery discharge from nose and eyes, often like a tap. Isme Allium sepa basically hai na, jab bhi shardi hoti hai aur sinusitis hota hai, naak jam ho jati ki wajah se humko headache hota hai, ya khali aise shardi ki wajah se bhi humko headache hai, to waise headache mein aur waisi shardi mein Allium sepa works very nice. Nasal discharge might irritate the upper lip. नेजल डिस्चार्जेस होते हैं और कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ स्टफी नोज, और जो हेडेक होता है ना उसकी वजह से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, इसके लिए बहुत अच्छा रेमेडी है. डोजेज इज जनरली 200 इज इनफ फॉर दैट. यूफ्रेजिया फॉर बेसिकली फॉर आई सिम्टम्स, आप पढ़ लेना बाद में, आई एम नॉट गोइंग वेरी डीप इन टू दैट. नैटमोर अगर अगेन, दिस इज ऑल्सो बायोकेमिक टिश्यू रेमेडी. बायोकेमिक टिश्यू रेमेडी मतलब इट्स अ सॉल्ट, और ये जो हमारा जो शरीर है वो पंच धातु से बना है, तो उसमें नमक एक आ ही जाता है. सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रेमेडी फॉर लो बीपी एज वेल एज हाई बीपी. लो बीपी में आई गिव इन 6 potency, हाई बीपी में आई गिव इन 12 potency. और सर्दी होती है ना तभी भी हम लोग को जो नाक से पानी बहता है ना वो खारा रहता है, तो लाइक क्योर्स लाइक के सिंबल के ऊपर सर्दी में हम लोग ये नैटमोर 200 में एड कर सकते हैं, इट विल हेल्प देम ब्यूटिफुली नेजल डिस्चार्जेस के लिए. जब भी स्पेशली ना स्मेल और टेस्ट चला जाता है ना, लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, ये इंडिकेशन होता है, यू कैन गिव नैटमोर. उसमें कमजोरी भी लगती है, फीवर में जब कमजोरी लगती है बिकॉज इट इज अ टिश्यू रेमेडी, सो फॉर वीकनेस, जब भी मुंह में छाले होते हैं उसकी वजह से भी बहुत सारा सॉल्ट और बॉडी में से निकल जाने, कम हो जाने की वजह से जो वीकनेस लगता है, ग्रेट डिबिलिटी इन इवन लो बीपी एंड हाई बीपी में प्रेशर ज्यादा होता है, तो लाइक क्योर्स लाइक अगेन वर्क्स फॉर बोथ. तो उसमें नैटमोर वर्क्स वेरी नाइसली. और टिपिकली नैटमोर के जो पेशेंट होते हैं ना, उनको अकेले रहना अच्छा लगता है, फंसी नहीं रहते, शांत रहते. व्हेन द सिम्टम्स एग्री, नैटमोर कैन बी यूजफुल फॉर डिप्रेशन, माइग्रेन एंड हे फीवर. हे फीवर के लिए बहुत अच्छा रेमेडी है नैटमोर 200. हे फीवर इज ऑल्सो वेरी कॉमन फीवर आजकल, तो उसके लिए नैटमोर वर्क्स वेरी नाइसली. माइग्रेन के लिए बहुत अच्छा है, और डिप्रेशन में इग्नेशिया एंड नैटमोर दोनों भी लगता है. 200 1 mg 10 mg पोटेंसी में दे सकते हैं. ज्यादातर मैं 200 ही यूज करती हूँ, दैट इज
more than enough. Thuja, again, it's a nozod. It's a very beautiful remedy. It should be useful after a cold when the sinuses have been affected. Thuja jo hai na, ye doctor batra dete hai bahut sare hair ke liye, balding, thinning of hair, hair fall ke liye. Basically, inka, because it's a nozod, it's a mental picture jo hota na, it's a psychotic remedy. Often a headache will develop and will be felt in small, well-defined area like a nail being driven in. The headache will be worse for bending forward. Pain might extend to the left side. I don't give thuja. I mean, combination mein dete hai, but not only thuja for a headache. Thuja is best probably known for clearing warts, and warts ke liye bahut beautiful remedy. Wart ke liye, homeopathy is also very well known for warts. और थुजा का मदर टिंचर डायरेक्टली वॉट्स के ऊपर अप्लाई भी कर सकते हैं. इवन हेयर में भी आई हैव मेड हेयर सॉल्यूशन टू अप्लाई, उसमें भी थुजा का मदर टिंचर हम लोग लोकली अप्लाई कर सकते हैं फॉर वॉट्स एंड फॉर इन द स्कैल्प. सो कंपैरिजन रेमेडीज है, यू कैन ऑल्सो कंपेयर एपीज. एपीज इज बेसिकली, ये भी बहुत ब्यूटीफुल रेमेडी है बिकॉज इट्स अ हार्ट रेमेडी. डॉक्टर पंजाबी ने मेरे को लिलियंथल बुक दी थी जहाँ पे हर हार्ट के सिम्टम्स में एपीज वॉज इंडिकेटेड. ऑलमोस्ट 99% ऑफ द हार्ट केसेस में एपीज वॉज इंडिकेटेड. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रेमेडी फॉर इंटरस्टिशियल सेल्यूलर इन्फ्लेमेशन. जो मैंने बोला एंटी इन्फ्लेमेटरी है रस्टॉक्स, और ये जो है ना, ये अंदर के सेल्स जैसे कि स्टमक के अंदर के, किडनी के अंदर के, किडनी स्टोन्स है तो उनको अंदर सूजन आई है किडनी के अंदर, ऑर्गन के अंदर, तो वो सूजन जो है ना वो एपीज 1 एम देने से, मेनिनजाइटिस ब्रेन के अंदर सूजन आई है, स्कल के अंदर सूजन आई है, तो इसके अंदर इंटरस्टिशियल सेल्स के अंदर, ऑर्गन के सेल्स के अंदर बहुत अच्छा काम करता है एपीज. और इसका सबसे बड़ा अच्छा आप विजुअलाइज कर सकते हैं व्हेन एन इंसेक्ट, या अगर कोई भी आपका आपको स्पाइडर बाइट करता है, स्टिंग करता है, और उसके ऊपर जो इरप्शन होता है, हमको स्किन के ऊपर जो दिखता है लाल हो जाता है और चमड़ी ऊपर आ जाती है ना, सूजन हो जाता है, वैसा जो सूजन होता है ना उसमें एपीज बहुत ब्यूटीफुल काम करता है. सो इट्स लाइक एन इंसेक्ट बाइट जो किया है, और कैसी सूजन होती है वैसी सूजन ऑर्गन के अंदर भी होती है, तो उसमें भी एपीज बहुत ब्यूटीफुल काम करता है. द अफेक्टेड पार्ट वुड बी सिग्निफिकेंटली एडेमिटिस. एडेमिटिस मतलब सूजन वाला. पफिनेस अंडर द आईज भी, लाल और पफिनेस अगर आईज के अंदर है तो वो भी बहुत अच्छा है. इट माइट लुक शाइनी एंड स्ट्रेच्ड. देयर कुड बी सडन स्टार्ट स्टिंगिंग पेन इन द स्किन. ज्यादातर हम लोग को जब भी इंसेक्ट बाइट होता है ना, यू शुड अप्लाई आइस, आइस क्यूब्स, इट इज वेरी गुड. और आइस क्यूब्स लगाने से क्योंकि वो सूजन कम होता है और अच्छा लगता है, सेम तरह का रिलीफ एपीज भी देता है साथ. तो मेडिसिन भी ले लो, आइस भी लगा लो, इट विल वर्क ब्यूटीफुली. किडनी स्टोन पेन, पाइलोनेफ्राइटिस, हर्पीस. हर्पीस में भी वो जो पेन होता है, जो हर्पीस के जो इरप्शन होते हैं उसके लिए भी एपीज बहुत अच्छा है. इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, मेनिनजाइटिस, आर्थराइटिस, सिस्टाइटिस, इवन सिस्ट जो होते हैं यूट्रस में, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, उसके लिए भी एपीज इज वेरी ब्यूटीफुल रेमेडी फॉर दैट. एलर्जी से भी जो सूजन आती है, जैसे अर्टिकेरिया के जैसे हो जाता है एलर्जी से, उसमें भी वन एम वर्क्स वेरी नाइस. आर्सेनिकल, अभी आर्सेनिकल तो सबको पता है टुडे बिकॉज कोरोना वायरस के हिसाब से आर्सेनिकल हैज बिकम फेमस इन होम्योपैथी. सो सबको मतलब ये होगा कि आर्सेनिकल के बहुत सारे यूजेस है, बहुत सारे यूजेस है. ऑलमोस्ट हर लोगों को आर्सेनिकल देते हैं बिकॉज इट्स बेसिकली पॉइजन. पॉइजन किल्स पॉइजन. आज किसके मन में, किसके शरीर में टॉक्सिन्स नहीं जा रहे हैं, सभी को जा रहे. सो एनीथिंग इंडिकेटेड एलिमेंट्स फ्रॉम आर्सेनिक है ना, मेरे को ऐसा सिखाया गया था, एलिमेंट्स फ्रॉम चेंज इन वेदर, चेंज इन एयर, चेंज इन वाटर, चेंज इन फूड. आपने आइसक्रीम खाई, मैंने आइसक्रीम खाई, आपको सर्दी हुई, मुझे नहीं हुई. अगर किसी ने बोला मैंने आइसक्रीम खाया और मेरे को सर्दी हो गई, आर्सेनिक इज द इंडिकेटेड रेमेडी बिकॉज इट इज अ चेंज. जिसके जो मतलब आपका ऑलरेडी बॉडी टॉलरेट कर पाया, मेरा नहीं कर पाया, इसीलिए मुझे आइसक्रीम खाने से सर्दी हुई. जब ऐसे सिम्टम्स आते हैं ना तो आर्सेनिक इज इंडिकेटेड. एनवायरमेंटल भी चेंजेस आते हैं उसमें भी. एलिमेंट्स अराइजिंग फ्रॉम, जो भी बीमारी अराइज हुई है उनका पॉजिटिव फैक्टर इज बिकॉज ऑफ चेंज इन एयर, वाटर, फूड, एनीथिंग. आप कोई हिल स्टेशन पे गए, वहां पे पानी चेंज हो गया,
आर्सेनिक आर्ट और आपको डायरिया हो गया, टेक आर्सेनिक आर्ट, इट विल वर्क अमेजिंगली ब्यूटीफुल. इवन अगर स्टमक में नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया ऐसे कुछ भी सिम्टम्स आए हैं बिकॉज ऑफ चेंज एलिमेंट्स, दीज डिजीज आर अराइजिंग फ्रॉम चेंज इन एयर वाटर और फूड, आर्सेनिक आर्ट वर्क्स वेरी नाइस. एक्सट्रीम वीकनेस, बहुत सारे लोग है ना बीमारी से हार जाते हैं, थक जाते हैं. मैंने ओल्ड एज में ना सीएम पोटेंसी तक दिया है. वाई? बिकॉज उन वो लोग है ना जीवन से हार जाते हैं और उनको ताकत नहीं रहती है, एनर्जी नहीं रहती है कि नहीं अभी मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब ऐसा लगता है कि मर जाए तो अच्छा है, बेटर है ये सब सफरिंग बेयर करने से. इतना वीकनेस लगता है बॉडीली, फिजिकली भी और मेंटली भी. इतनी एक्सट्रीम वीकनेस में आर्सेनिक आल्ट गिव्स देम दैट एनर्जी, इट रेप्लेनिशेस देयर एनर्जी. इसको 1 एम 10 एम 50 एम सीएम पोटेंसी तक यूज किया जाता है. 30 जो आज आयुष ने बताया है, अभी हमारी जो लाइफस्टाइल है कलयुग में, लाइफस्टाइल हैज बिकम सो कॉम्प्लेक्स दैट व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस इज 30 डजंट वर्क एट ऑल एट ऑल. बोरिक में बताया गया है इन आवर होम्योपैथिक बुक दैट इट इज वेरी गुड फॉर म्यूकोसल इरिटेशन. हमारी नोज की जो म्यूकोसल इरिटेशन होती है उसमें आर्सेनिक आल्ट 30 काम करती है. बट लेट मी टेल यू 200, 1 एम 10 एम पोटेंसी बहुत बेटर रहती है, इट वर्क्स मोर बेटर. फियर ऑफ इलनेस, डर जो रहता है, एंजाइटी बहुत रहती है आजकल सबको. कोविड में एंजाइटी भी है, डर भी है कि मुझे हो गया तो, हमारे फैमिली में किसी को हो गया तो, इस तरह की जो फियर रहती है, जो एंजाइटी उसकी वजह से रहती है, उसके लिए आर्सेनिक आल्ट इज वेरी गुड. और सेंसिटिव टू डिसऑर्डर, मतलब अगर आप आर्सेनिक आल्ट लेते हैं तो आप है ना जो अभी आसपास की डिसऑर्डर हो रही है उसमें आप इतना सेंसिटिविटी नहीं पाओगे. यू विल बी एबल टू बी मोर stronger sensitivity wise. Getting my point? So that is why arsenic algae is indicated today by Ayush. आठ नंबर ने मंगा है. आठ नंबर अच्छा मेरे को होमोपैथी दवाई आठ नंबर लगी. China official is a very good remedy for weakness. Diarrhea हुआ, weakness हुई, China दे दो, बहुत अच्छा. डिहाइड्रेशन हुआ, चाइना दे दो, अच्छा. सी यू हैव टू गिव इलेक्ट्रोल पाउडर, हाइड्रेशन सब देना है. ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि सिर्फ रेमेडी दे दिया हो गया. दीज आर मेडिसिंस, और डाइट और फूड और न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज अपनी जगह है और रेमेडीज अपनी जगह है. सिम्टम्स में भी वर्स इन द नाइट टाइम, बिटर टेस्ट आता है, कड़वापन जो मुंह में होता है उसके लिए भी चाइना इज अ वेरी गुड रेमेडी. एंड 200 इज अ प्रीटी गुड फेयर इनफ डोज. बुक्स में तो बहुत ही लो डोजेस दिए हैं बट बिकॉज ऑफ द टाइम्स व्हाट हैव चेंज्ड 200, I give 200. Carbo veg, it's also another beautiful remedy for asthma ke liye maine diya hai, for weakness ke liye diya hai, gas ke liye diya hai. Ye bahut beautiful remedy hai. For remedy useful when the stomach has been disordered by bad fish, patient will feel weak and collapse. There will be a lot of bloating in the gas. Gud gud pet mein karta rehta hai na, waisi prakar ki gas ke liye bahut acha hai. Flatulence. Patient will also be wanted to be fanned. जो अस्थमा होता है पर उनको फिर भी फैन चाहिए और ब्रेथलेसनेस फील होती है, उनके लिए भी कार्बोवेज बहुत अच्छा काम करता है. एंड जनरली आई गिव कार्बोवेज इन 30 पोटेंसी, इट वर्क्स ऑसम. सल्फर, सल्फर इज अनदर ब्यूटिफुल रेमेडी बिकॉज सल्फर इज ऑल्सो जो हमारी इंटेस्टिनल लाइनिंग है ना वो भी सल्फर से बनी हुई है. तो सल्फर की हमारे पास कॉन्स्टिपेशन की भी 1x पोटेंसी में बहुत ब्यूटीफुल कॉन्स्टिपेशन टैबलेट्स जो है वो सल्फर है. और सल्फर जो है ना उसका जो माइंड होता है ना बेसिकली इज अ, दिस इज आल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, इट इज अ फिलोसॉफिकल माइंड, फिलोसॉफिकल थिंकिंग जो बहुत करता रहता है ना, बहुत सोचता रहता है, उसकी वजह से जो तुम्हारे बॉडी में सल्फर न्यूट्रिएंट यूज हो जाता है ना उसको रिप्लेनिश करने में बहुत अच्छा काम करता है. स्टूल्स में भी जब डायरिया होता है एंड व्हेन द स्टूल्स आर लूज एंड फाउल स्मेलिंग सल्फर इज इंडिकेटेड. मे नीड टू गो टू बाथरूम अर्जेंटली इन द मॉर्निंग, दिस मे ड्राइव पेशेंट आउट ऑफ द बेड. ये सारे सिम्टोमेटिक इंडिकेशंस है. स्टूल में कॉज इचिंग इन द एनस, जिसको पाइल्स, हेमोरॉइड्स, कॉन्स्टिपेशन ये सारे प्रॉब्लम्स है उनको सल्फर तो देते ही देते हैं. That can be given in 1 m 10 m. If you find a person with a philosophical thinking, you can give in high potencies also. और ये जो patient होते हैं ना बहुत hot रहते हैं. Can you imagine like किसी को piles या hemorrhoids हुआ है, how hot that area is? तो
वैसी हीट वो सल्फर वाले की बॉडी के अंदर रहती है एंड दे आर वेरी अनटाइडी दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट ड्रेसिंग अप वेरी नाइसली दे डोंट वांट टू यू नो नक्स फॉर्म इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ सल्फर नक्स फॉर्म है ना दे वांट टू बी प्रेजेंटेबल दे वांट टू बी अप टू डेट इन एवरीथिंग और ये जो होता है ना ये पूरा उल्टा होता है इनको सब चलता है तो दे आर वेरी अनटाइडी ऑल्सो beggars raggers ye sare they are typically sulfur people the patient has a desire for sweet food and diarrhea that persists if symptoms agree sulfur might be useful for skin problems such as acne and eczema okay for the skin conditions also sulfur is very beautiful remedy which we add when somebody comes with acne eczema ye sare dete hain so I give in 200 1 mm potency that is more than enough depending on the height and body of the person ya bacche hai to 200 mein de de but for the skin symptoms also if you add sulfur jaise abhi hipasav de diya for pus again if you add sulfur also it will help them in improving their acne or eczema ya jo bhi pus wali conditions hai you read the rest cantharis ye burn ke liye third degree burn tak hum log cantharis de sakte hain it's a beautiful remedy like calendula a serious burn third degree burn blisters hote hain very painful burning sparting feel better with cold application cystitis when the symptoms agree cantharis is number one remedy for cystitis calendula can be taken internally aur uska jo mother tincture hai that can be applied externally also so calendula to jo hai na wo skin ke upar lagate hai na to thanda lagta hai burn ke upar bahut thanda thanda lagta hai so that can be applied directly on the skin or not like an calendula jo hai ointment mein bhi dono bhi ointment mein available hai but calendula you can also apply mother tincture also locally antim tart ye jo cough abhi ho raha hai na bahut iske liye maine ye remedy li hai antim tart is basically for jo cough aata hai fever ke baad mein abhi jo corona virus mein bhi lot of people are abhi barish mein bhi sab logo ko cough aata hai to jo cough greenish ya yellow is phlegm ke sath ho gaya usme rattling cough aawaz karta hai khakad khakad karta hai वैसे कफ जो कफ बाहर नहीं निकाल पाते हैं बच्चे लोग कभी कभी वैसे कफ में अंटिम टार्ट 1 mm ब्यूटीफुल काम करता है इट आल्सो वर्क्स ऑन द माइंड डिप्रेशन ऑफ वाइटल पावर एम्फिसीमा ऑफ एजेड लोगों को जो ऐसा वाइटल एनर्जी उनकी कम हो जाती है उसकी वजह से जो डिप्रेशन फील होती है उसमें भी अंटिम टार्ट बहुत अच्छा काम करता है इरेजिस्टिबल डिजायर टू स्लीप पल्सिटेला ब्यूटीफुल रेमेडी फॉर चिल्ड्रन for everybody actually for it's a basically a female remedy or aur uska jo mental symptom hai is want attention all the time they want attention they like sympathy koi uski agar sympathize kare to unko bahut acha lagta hai they weep easily bahut hi jaldi rona aa jata hai runny nose hota hai bachcho ko give them pulsatilla 200 it works amazing khali utna hi de diya bachcha baar baar maa ko pareshan karta hai mere ko utha lo pulsatilla works beautifully it's a basically if you say it's a flower cough dry at night and loose in the day jo raat mein usko sook jata hai subah ho gaya to runny nose wapas chalu uske liye pulsatilla weakness ke liye bahut acha hai tend to be tearful thirstless to pyaas kam lagti hai arsenic kal mein bhi pyaas kam lagti hai they take water in sips ye sare symptoms bhi aap baad mein aapko ye pe pdf file share karungi do go through the symptoms and I will also give you some reference books jisme aapko agar aur zyada layman language mein samajhna hai to you can go through that also amenorrhea suppress menses agar aapko menses ya labor pain ke liye maine diya hai labor pain nahi aa raha hai you can give pulsatilla 1 mm menses agar suppress ho gaye hai koi karan se pulsatilla 1 mm de do onset ho jayega menses इनवॉलंटरी यूरिनेशन वाइल कॉफिंग ये भी बहुत सारे 40 प्लस वाले में देखने को मिलता है जो उनके मसल्स वीक हो जाते हैं ऑफ द एक्सपिरेटरी कैनल्स तो उनको जब खांसी खांसते हैं तो इनवॉलंटरी यूरिनेशन हो जाता है मैंने मेरी माँ को ये बहुत ही दिया है पल्सिटेला 1 mm फॉर हर इनवॉलंटरी यूरिनेशन वाइल कॉफिंग शी टू ऑलवेज कंप्लेन एंड आई हैव गिवन हर दिस बट सी यू हैव टू ऑल्सो डू सम एक्सरसाइज when you are involuntary urinating that means the aapki jo urethra aur wahan ke jo muscles hai those are weak so you should strengthen them wo exercise bhi karna hai plus ye remedy aapko help karti hai
they are unka jo nature hai they are extremely religious melancholy highly emotional people very loving people bahut hi pyare log hote hain fever headache from overwork jaisa ye pyara phool hai na waise hi hote hain log pyare hote hain और सुप्रा ऑर्बिटल पेन ज्यादा ओवर काम करने से जो हेडेक होता है और सुप्रा ऑर्बिटल मतलब अपने और आंखों की ऑर्बिट के ऊपर का जो हिस्सा है वहां पे जो एक प्रकार का आंखों को पेन होता है फ्रॉम ओवर वर्क हेडेक भी होता है उसमें पल्सिटेला वर्क्स वेरी ब्यूटीफुल। फीवर वाले हमारी ग्रुप रेमेडीज हमने बनाई है 20 रेमेडीज की फीवर ग्रुप है जिसमें पल्सिटेला इज ऑल्सो इपेकैक नोजिया बेसिकली इसका सिम्टम है नोजिया ओके बाकी क्या पढ़ लेना वूपिंग कॉफ जैसे बहुत बड़ी खांसी होती है ना उसमें भी ऐसा लगता है अभी उल्टी करेगा बच्चा अभी उल्टी करेगा उसमें इपिकैक डाल दो उसको साथ में तो उल्टी उसको बैठ जाएगी अच्छे से निकल जाएगा स्टूल से। कैल्केरा काब अनदर वेरी ब्यूटीफुल कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ओबिसिटी के लिए बहुत अच्छा है ओबिसिटी में चाहिए और कैल्केरा काब जो होता है ना एनएमएन ने उसको बोला है इट्स एंटीसोरिक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी पार एक्सीलेंस इम्पेयर्ड न्यूट्रिशन की नोट उनका जो न्यूट्रिशन है ना वो बहुत इम्पेयर्ड रहता है उसकी वजह से उनको ओबिसिटी हुई है मतलब कभी ये खा लिया कभी वो खा लिया दे आर नॉट वेरी कैलकुलेटिव अबाउट ईटिंग और अबाउट न्यूट्रिशन एक बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं लेते बहुत ज्यादा मीठा खा लेंगे या तो बहुत ज्यादा नमकीन खा लेंगे जो अच्छा लगता है वो खा लेंगे तो उसके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल रेमेडी है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। एप्रिहेंसिव एंजाइटी ऑब्स्टिनसी एवर्स टू वर्क और एक्सर्शन This I had learnt, ये जो उनका apprehensive nature है, apprehensive मतलब वो कबूल नहीं करेंगे कभी मानते नहीं है मतलब अगर हम बोलेंगे ना कि I don't know how to give an example, but yes, मुझे ये इसका एक experience हुआ था बहुत अच्छा when I was taught ना I tried to implement it about this apprehensive nature. We used to work at this charitable Dr. Poonam और हम लोग सब साथ में ही थे तभी तो there was a lady who was जिसकी सास को मतलब बहुत रिलीफ हुआ था होम्योपैथिक रेमेडी से एंड शी ब्रॉट हर डॉटर इन लॉ अब वो डॉटर इन लॉ आई ना वो कुछ बोल ही नहीं रही है शी इज नॉट एबल टू उसकी सास बोल रही है उसको ये कंप्लेंट है वो कंप्लेंट है मैं उसको पूछती हूँ बोलती है हाँ बट शी विल नॉट एक्सेप्ट बोल ही नहीं रही थी मैंने उसको सिर्फ कैल्केरा काब दे दिया एक वीक के बाद बुलाया फटाफट फटाफट सब कुछ बोलने लगी सो इट्स अ वेरी गुड रेमेडी फॉर पीपल हु आर एप्रिहेंसिव ना उनको बोलने के लिए वो apprehensiveness उनका चला जाता है gives them the energy to speak the right thing accept it accept भी नहीं करते ये लोग anxiety जिद्दी होते हैं obstinacy averse to work or exertion उनको lazy होते हैं काम करना अच्छा नहीं लगता ये typical उनके थोड़े natures हैं you should not take it very specifically सभी को वही category में मत डालो but yes कैल्केरा काब अगर एक बद्दा सा ऐसा अच्छा आ जाता है इंसान तो समझ में आता है कि he must be calcarea का because it's a constitutional remedy and it's a mineral tendency to call, catch cold patient is not well cannot shake sending was for inspiring chubby babies babies जो चबी चबी रहती है वो लोग basically उनकी constitutional calcarea काब रहती है और जो constitutional है ना वो change होती है रहती है lifetime में calcarea काब will go to lycopodium to cilicia to again calcarea काब in their life cycle so this is a life cycle jo constitutional change hota rehta hai as they grow and as per the environment what got they have to adapt themselves to. So difficult dentition cramps 200 1m 10m potency should ye jo remedy hai na it's given in homeopathy that you should not be repeated too frequently especially in the elderly people matlab intermittent dena hai aapne usko 15 din de diya fir break de वापस 15 दिन दे दिया फिर ब्रेक दे मतलब दूसरी बार जो हम दे रहे हैं उसको रिपीट मत करो इतना ज्यादा इसके कंपैरेटिव है वो देख लेना बाद में इग्नेशिया इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर अक्यूट इमोशनल इश्यूज कोई भी अक्यूट इमोशनल इश्यूज होते हैं डिप्रेशन आ गया अचानक से मेन रेमेडी फॉर ग्रीफ हेल्प्स द पेशेंट टू बी स्ट्रॉन्ग एलिमेंट फ्रॉम ग्रीफ हिस्टेरिया हिस्टेरिकल बहुत होते हैं विमेन में डिसअपॉइंटमेंट्स इन लव ओवर सेंसिटिव है मतलब हमेशा इमोशनली ही सब कुछ अटैच करते रहते हैं उसकी वजह से ओवर सेंसिटिविटी आ जाती है तो उसके लिए इग्नेशिया इज वेरी गुड रेमेडी फॉर दैट वॉज फॉर कॉन्सोलेशन कॉफी टोबैको स्मोक हेडेक होता है ना माइग्रेन हेडेक फॉर ड्यू टू डिप्रेशन उसके लिए बहुत अच्छा है कालीफॉस अगेन
इट्स अ बायोकेमिक रेमेडी, बायोकेमिक टिश्यू रेमेडीज, मतलब अपनी बॉडी ऑलरेडी इसकी टिश्यू उसकी बनी हुई है. अगेन इट्स अ वेरी गुड रेमेडी फॉर ओवर वर्क फ्रॉम फिजिकल एंड मेंटल. उससे जो थकान हो जाती है, तो अगर हम काली फॉस लेते हैं तो मेमोरी अच्छी होती है. इट्स अ वेरी गुड मेमोरी रेमेडी ऑल्सो. मेंटल स्ट्रेन अगर ज्यादा हो गया है तो इट विल गिव यू एनर्जी टू बेयर दैट मेंटल स्ट्रेन. और बायोकेमिक मतलब लो पोटेंसी में, आई गिव इट इन 6, 12 एंड 30. दीज आर वेरी ब्यूटीफुल रेमेडीज फॉर ओवर एक्सर्शन एंड इट कैन बी टेकन फॉर अ लॉन्गर टाइम ऑल्सो. ओवर स्टडी, स्टडी के टाइम पे भी मेमोरी वगैरह अच्छी करनी है, एक महीने पहले शुरू कर दो एग्जाम के पहले, इट वर्क्स गुड. पेशेंट बिकम्स एंग्जियस एंड ऑल्सो इट इज अ नर्वस रेमेडी. बाय द वे टिश्यू रेमेडीज में इट्स वेरी गुड नर्वस रेमेडी. होम्योपैथिक में कौन सा नर्वस रेमेडी अच्छा है? हाइपरिकम. और बायोकेमिक में टिश्यू रेमेडीज में कौन सा अच्छा है? काली फॉस. पूजा, पूजा तो हो गया आई थिंक सो. या पूजा इज डन. सो वी आर डन विद द रेमेडीज. सो निकुंज, कैन यू पुट एवरीथिंग टू अनम्यूट नाउ? आई कैन टॉक टू देम. बताना अनम्यूट करना साथ में. सो वी आर डन विद द होम्योपैथी एट होम वेबिनार. नाउ व्हाट आई वांट यू ऑल टू ऑफर इज, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो यू, वी हैव अ क्विज हियर कमिंग अप व्हिच विल बी ईमेल्ड टू यू. यू कैन टेक अप द क्विज एंड देन यू कैन you can email it to me your answers. Now what will that quiz help you is that ye quiz se hai na aapko pata chalega ki kaise aapko isko apply karna hai in your day, on a daily basis in your life. I'll show you the quiz questions. So this is the quiz. Aapko pdf file aayegi, in your mail you will get it and you have to answer it. And please if you all कोऑपरेट विथ मी, इतना अच्छा कोऑपरेट किया है मैंने, इतना अच्छा बताया है, तो प्लीज डू रिप्लाई आंसर. भले रॉन्ग भी रहेगा नो प्रॉब्लम, आपको ये नोट्स भी मिल जाएगी, ये जो मैंने अभी पीडीएफ लिया है वो भी मिल जाएगा और उसके हिसाब से आपको इसको आंसर करके मुझे देना है, भेजना है. आई विल रियली अप्रिशिएट योर सपोर्ट इन दिस. इट विल हेल्प यू ऑल्सो मी ऑल्सो. देयर इज अ पेशेंट कॉलिंग, कैन आई जस्ट? यस सर, गो अहेड. हेलो, सो विच इज द बेस्ट ऑइंटमेंट फॉर हीलिंग वूंड्स, वो आपको बताना है. अगर टीडिंग के टाइम पे बच्चे को बुखार आ रहा है और क्रैंकी हो गया है तो कौन सी देनी है? कैमोमिला. आई विल टेल. यस, कैमोमिला. व्हाट इज अ गुड नेम? रेमंस. थैंक यू सर. बेस्ट रेमेडी फॉर नर्व पेन और न्यूरालजिया. न्यूरालजिया मतलब नर्व पेन है. डरो मत ऐसे मेडिकल वर्ड से, डरने की जरूरत नहीं है. आप घर में किसी की हेल्प ले सकते हैं अगर आपको इंग्लिश नहीं समझ में आती है तो. बट यू शुड नो द रेमेडी. मतलब हाथ में बॉटल आई और जो सिम्टम्स मैंने बताया है तो समझ में आना चाहिए. देखो ये फोटो भी दिया है कि यहाँ पे दांतों में अगर रूट कनाल या ऐसी कोई इंजरी हुई है जहां से नस में पेन हो रहा है, ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया मैंने बताया था. ये यहाँ पे जबड़ों में पेन होता है, नसों क्या, उसके लिए हाइपरिकम बोला था मैंने. नर्व पेन इज हाइपरिकम. तो आपको जब भी आपके पास मेडिसिन है तो आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि दिस इज अ रेमेडी इंडिकेटेड. फिर फ्रैक्चर के लिए आप घर पे क्या दोगे? सो आई ऑलरेडी टोल्ड इन द सेमिनार वेबिनार आल्सो, रस्टॉक्स, रूटा एंड सिम्फाइटम. उसके साथ में आप, या उसके साथ में आप कैल्किरा फॉस भी दे सकते हो, जो कैल्शियम लेने को बोलते हैं डॉक्टर्स फ्रैक्चर में. हम लोग बच्चों को दांत आते हैं ना तो कैल्किरा फॉस की टैबलेट देते हैं, वो टैबलेट हम फ्रैक्चर में भी ले सकते हैं एज कैल्शियम सप्लीमेंट. देन विच इज द बेस्ट रेमेडी फॉर स्प्रेन स्ट्रेन. फिर कंप्यूटर वाले जो यूज करते हैं रिस्ट पेन, उनको जिसको ओवर एक्सर्शन से होता है, उसके लिए क्या है? तो आपके पास नोट्स है सारे, ये सारे बहुत ही सिंपल है. इसमें फोटो भी है
और ये फोटो के साथ में जब आप उसको आंसर करोगे ना तो आपको याद रहेगा. देखो यहाँ पे मुंह का छाले का फोटो है, तो इसके लिए कौन सा है? मॉक्सॉल. मॉक्सॉल 1 mm दिया तो बहुत अच्छा है. तो जब आप लिखोगे इसको रिप्लाई करोगे ना, यू विल बी एबल टू री रिमेम्बर इट ऑलवेज. यस यस यस, रिटेन इट फॉर अ लॉन्गर टाइम. इवन इफ देयर आर मल्टीपल remedies for that particular thing, like given in combination, you can write those down. Yeah. As well. So I'm coming to that also. So any given point of time, anybody has any confusion, see, always you can like jab bhi jaise mouth ulcer hai, sirf lal hai, you give moxol. Agar pus bhi hai, saath mein lipasal bhi de do, sulfur bhi de do 200 mein. Tino ka combination bana ke de do, it will work beautifully. Agar aapko koi confusion hai, I'm always there to, you can WhatsApp me and I can always reply. But you should try to रिजॉल्व ऑन योर ओन. हाउ? आपने मॉक्सॉल दे दिया, फिर अगर वो देखो हर एक का बॉडी है ना अलग अलग रिएक्ट करता है. किसी को छाला है ना एकदम चला जाएगा, गायब हो जाएगा, तो मिराकुलसली क्योर होता है, पता चलता है अरे वाह मॉक्सॉल ब्यूटीफुल काम किया. किसी किसी को है ना वो छाला पक जाता है, 2-3 दिन के बाद वो ज्यादा हो जाता है, तो कोई डर जाते हैं और होम्योपैथिक बंद कर देते. पर ऐसा मत करो, उसको है ना आप एड करो, लिपासल्फ एड करो, सल्फर एड करो, क्योंकि वो पक गया है, पस हो गया है ना उसके अंदर, तो पक गया तो ऐड करो. मॉक्सॉल चालू रखो क्योंकि वो लाल भी है, तो आप देखोगे कि 2 दिन और लगेंगे पर उसको हील हो जाएगा. और there won't be any conflict, doctor. There won't be any conflict between any two medicines if you mix it up. No, no, there is no conflict. See, the जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि a body will always take the energy form what is required. And it will not accept the energy form which is not required. So it is always very safe to give. And Hahnemann in his organ in, I think 5th or 6th, I have the book, which says that you can, whatever remedies are indicated, you can make a mixture of that remedy and give it to that person. And your every homeopath who is giving, who is practicing, does always, ye ek single remedy hai na, usko classical homeopathy bolte hai. But definitely, if the symptoms are indicated, if agar symptoms suggest कर रहे हैं कि दूसरा भी body का एक vital force disturb हुआ है, तो हम उसको definitely energy के form में उसको दे सकते हैं, because it is safe. उसमें कोई aggravation या कुछ ऐसे नहीं आता है, कोई ऐसे हम लोग को इतना CM potency में दे दिया या doctors ने अगर दे दिया, then they have to think twice before giving any high potency or anything. But ये जो homeopathy at home है, इसमें आप लोग बहुत ही safe medicines में safe potencies में ले रहे हैं. And it can be taken. मतलब मक्सोल में से बॉटल में से आपने 4 गोली खा ली, लिपासल्फ में से 2 गोली खा ली, सल्फर में से 2 गोली खा ली, यू कैन ऑलवेज टेक दैट. देयर इज नो हार्म इन दैट. सो दिस इज अ क्विज लाइक दैट. एंड अनदर थिंग व्हाट आई मीन, हु इज इट? डॉक्टर या मंजू गुप्ता, कैन वी कैन यू ट्रीट कोविड आल्सो बाय होम्योपैथी? या सो कमिंग टू दैट, वी हैव कोरोना के लिए आयुष ने इटसेल्फ अभी सबको बोला है कि होम्योपैथिक डॉक्टर्स भी है ना, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट और हॉस्पिटल्स में सबकी परवानगी से दे कैन ऑल्सो गो एंड ट्रीट कोविड पेशेंट्स इन द हॉस्पिटल्स ऑल्सो, डिपेंडिंग ऑन उनके एक्सपीरियंस और उनके डिसीजन से. मतलब सिम्टम्स जो इंडिकेट करते हैं ना उसके ऊपर वो लोग डिसीजन लेंगे कौन सी मेडिसिन देनी है एंड दे कैन ट्रीट. ओके, तो हम लोग ने है ना फीवर की मेडिसिन बनाई है, फीवर ग्रुप बनाया है. यहाँ पे ना हम लोग आपको निकुंज मने छे ना आमा ओलू माय साइट से हतु ने ई पेज जो छे, इट्स नॉट कमिंग. कैन यू हेल्प मी? I don't know why. What is not coming? No, there was this. I had prepared this. जो भी medicines के kit देने वाले थे ना, वो बना के रखा था. Somebody, क्योंकि ये backend में मेरा website है ना update हो रहा है, so all these things are updating ना. तो we can send them over. We can send them over email and WhatsApp. Email. Yeah, I will email you all that we are offering a homeopathic home kit. जिसमें ये देर आर ग्रुप्स ऑफ रेमेडीज एज इन फॉर फीवर. फीवर के लिए 20 रेमेडीज का ग्रुप बनाया है. देन देयर इज अ या ऑल आर सेफ, डोंट वरी, इट वर्क्स अमेजिंगली वंडर.
और उसके साथ में उसके इंस्ट्रक्शंस भी देंगे कि हाउ एंड व्हाट टू यूज. देन देयर इज अनदर एक ग्रुप है, छोटा सा ग्रुप है फॉर कफ, जिसमें आर्सेनिकाल, एंटिमटाट, फॉस्फोरस, फॉस्फोरिक एसिड, ऐसे सेफ मेडिसिन है. तो वो भी हर प्रकार के कफ के लिए है. फीवर के जो ग्रुप है ना, फीवर में फीवर के लिए है, कफ के लिए है, वीकनेस के लिए है, नर्वसनेस के लिए है, उसके नोजॉर्ड भी है, उस तरह से फीवर का ग्रुप बनाया है. तो जो फीवर का ग्रुप है, हाँ जी, जो फीवर का ग्रुप है, दैट इज गोइंग टू हेल्पफुल इन कोरोना. यस ऑफ कोर्स. फीवर अगर ओके ओके आ रहा है आपको 100 डिग्री से ज्यादा है, तो वो फीवर का आपको आप हर आधे घंटे में, दो घंटे में ले सकते हैं. और जैसे ही फीवर सबसाइड होता है ना, स्टॉप, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, और इट हैज टू बी टेकन एज रिक्वायर्ड. एंड फीवर के साथ अगर कॉफ है, देन या इट विल वर्क इन दैट आल्सो. अच्छा, उसके अंदर हिपासन भी है, तो बॉडी, हाँ, फीवर में जो बॉडी एक होता है उसके लिए भी काम करेगा. कफ के लिए भी है, वीकनेस के लिए भी है. फीवर के बाद में वीकनेस रहती है ना, तो जब समझो कि आपको फीवर बाद में आया ही नहीं, आपने एक ही डोज, मेरे पास ऐसे केसेस हुए हैं कोरोना के, तो फीवर में कोविड पॉजिटिव के, उनको फीवर का मैंने दिया ना, तो उनको एक ही डोज में उनका फीवर चला गया और फिर आया ही नहीं. इट्स लाइक अ वायरल फीवर, राइट? सो देन उनको वीकनेस तो आती है फीवर के बाद में, तो उनको मैंने इंस्ट्रक्शन दिया कि नाउ अगेन फॉर द नेक्स्ट 3 डेज यू कंटिन्यू दिस ओनली 1 डोज एट नाइट. तो रात में ले लिया, that's more than enough for their weakness also. तीन दिन लिया तो they'll be better, because जो viral fever होता है ना, उसका एक ये pattern रहता है, it will be there for 3 days, 7 days, 15 days, वैसा pattern रहता है. Depending on your immunity, आपकी immunity कैसी है? So combination की, आप combination की medicines बताओगे तो हम अपने आप combination बना सकते हैं ना? हाँ हाँ, मैं आपको जो, अगर आपको home kit में you want this single remedy जो अभी बताई है, वो सारी रेमेडीज का किट चाहिए तो वैसा भी अवेलेबल है. अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे ये ऐसे नहीं लेना है, ग्रुप में नहीं लेना है, आई विल डिसाइड फॉर माई सेल्फ एंड आई वॉन्ट टू टेक एज पर इंडिकेटेड, यू वॉन्ट टू लर्न मोर, सी बेसिकली दीज आर लर्नर टाइप्स, तो उनके लिए सिंगल रेमेडी भी है, ग्रुप रेमेडीज वाला भी किट बना रहे हैं हम लोग होम्योपैथी में, जिसमें आपको कैलेंडुला ऑइंटमेंट और ये सब भी मिलेगा. देन वी आर ऑल्सो मेकिंग अ फर्स्ट एड किट. फर्स्ट एड किट में आपको ड्रेसिंग, वुंड, फ्रैक्चर, बर्न्स, इसके लिए भी सारे मिलेंगे, अपार्ट फ्रॉम द कॉम्बिनेशन एंड द सिंगल रेमेडीज. उसमें सिंगल रेमेडी भी रहेगी, ग्रुप कॉम्बिनेशन भी रहेगा, सब कुछ रहेगा. तो वो सारी चीजें हैं जो है ना, मैं आपको भेज देती हूँ मेल में. और आपको जो भी इसके लिए एक रेफरेंस बुक है जो डॉक्टर फाटक ने लिखी है, अभी वो फाटक बुक है ना, वो हमारे जो मेरी मेंटर है डॉक्टर पंजाबी, वो ऐसा बोलती है कि इट्स अ रेपर्टरी टू ऑल रेपर्टरीज. रेपर्टरी इज अ डिक्शनरी वेयर वी गो एंड रिफर. तो जो फाटक जी है ना, उन्होंने लेमन लैंग्वेज में लिखा है एंड इट इज वेरी इजी टू रिफर. तो वहां पे भी जो कॉम्बिनेशन दिया है वो आप अपने आप घर पे बना के, कॉम्बिनेशन बना के यूज कर सकते हैं. तो एक रेफरेंस बुक के लिए बहुत अच्छा है, बट दैट बुक इज नॉट अवेलेबल इन इंडिया राइट नाउ. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू अ पीडीएफ फॉर दैट. यू कैन बाय दैट पीडीएफ फ्रॉम माई वेबसाइट, फ्रॉम ऑनलाइन आप बाय कर सकते हैं. देन देयर इज अ वेरी ह्यूज डिक्शनरी जिसमें क्लिनिकल डायग्नोसिस और वैसे भी है. किसी को अगर आगे होम्योपैथी पढ़ाई करनी है तो उसको डॉक्टर रॉबिन मर्फी है, उनकी बुक है, वो भी रिफर कर सकते हैं. ये बुक जरा महंगी आती है, 1500-2000 की आती है. बट आई एम ऑफरिंग होम्योपैथिक कोर्सेज ऑल्सो. 1 year बेसिक कोर्स ऑफर कर रही हूँ, जिसमें अभी मैंने आपको एक 20-25 रेमिडीज हमने कवर की है. उसमें हम ज्यादा डीप में जाएंगे और ऑलमोस्ट मोर देन 100 रेमेडीज हम लोग कवर करेंगे. ऑनलाइन है, ऐसे वेबिनार्स में ही रहेंगे. वो कोर्स की भी मैं डिटेल्स आपको भेज देती हूँ कि वो कोर्स में क्या क्या कवर करेंगे. यहाँ पे भी मैं बता रही हूँ आपको कि वो कोर्स में हम इन 1 year, आई मीन देर विल बी लेक्चर्स, नोट्स, आपको पीडीएफ डाउनलोडेबल नोट्स रहेंगी जो आपको रेफर करनी है. एंड एवरी 15 डेज देर विल बी 1 लेक्चर जिसमें आपको रेमेडी भी लेंगे, कंपेरेटिव स्टडीज लेंगे और केस स्टडीज भी लेंगे. देर विल बी केसेस ऑल्सो विच विल बी रिफर्ड कि ये केस में हमने उसको कैसे ट्रीट किया. एंड देर विल कंपेरेटिव स्टडीज, कंपेरेटिव मतलब ये दिया और ये क्यों नहीं दिया और ये कॉम्बिनेशन में क्यों दिया. बहुत सारे ऐसे क्वेरीज आते हैं ना, तो कन्फ्यूजन होते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग ये बेसिक कोर्स में कवर करेंगे. इट विल बी 1 year सर्टिफिकेट कोर्स. आफ्टर 1 year देर विल बी अ सिंपल एग्जाम, उसके बाद में आपको सर्टिफिकेट देंगे. एग्जाम विल बी आल्सो ऑनलाइन, यू कैन रिफर एंड डू द एग्जाम, दैट इज आल्सो फाइन.
because the idea is basically for longer retention in your memory and to apply it in your daily life. After this baby course, would there be a second step? Yes, that is the second step. And then again, for the doctors who are there in this and they want to learn more, the way I am practicing advanced homeopathy is like we treat chronic diseases also. Diabetes, cholesterol, cancer, AIDS, autoimmune diseases, Parkinson's, paralysis. These all diseases we treat. For that, we have an advanced course. One second. Just come. Hello. Hello. Nikunj. Okay. So there is this advanced course. This is a 5-year course. Jisme you will be able to. This is only for doctors. It is not for laymen. The advanced course is not for laymen. It is only for doctors or the new learners or who are already practicing and wants to, you know, grow still more further. Unke liye hai. Uski bhi details main aapko bhej dungi. And for the doctors and for those who are interested, even the laymen, they can join us. We are also going to take every Saturday, we are going to take a doctor's group meeting. Now this doctor's group meeting is free, the webinar. We will be taking mostly at this time only. So uski bhi details main aapko bhej dungi. The only request right now to you is जो भी मैं दे रही हूँ ना offer कर रही हूँ वो तो मैं आपको mail में भेज दूँगी but the only request right now here is that if you can open to this page on your mobile also it's okay. Dr. Kalpana Kotecha मेरा जो website है वहाँ पे आप खोल सकते हैं drkalpanakotecha.com. Yeah, I think I passed a comment there. Oh really? That's so nice. Yeah, so I would appreciate if you like this page and if you subscribe ना. तो मेरी जो भी अपकमिंग मीटिंग्स है या अपकमिंग अपडेट्स है ना वेबिनार्स है इसके सारे बारे में आपको अपडेट्स मिलते रहेगी. आई राइट लॉट ऑफ ब्लॉग्स आल्सो. देयर आर वंडरफुल ब्लॉग्स. अभी रिसेंटली मैंने ये ही वीक में लिखा है अबाउट हेयर फॉल बिकॉज मुझे जो लोग पूछते हैं ना उसके बारे में मैं उनको एक सोल्यूशन देती. आई जस्ट पुट माई हार्ट एंड सोल इन टू इट माई ओन एक्सपीरियंसिस एंड एवरीथिंग. सो द ब्लॉग्स आल्सो ब्यूटीफुल. इफ यू कैन रीड द ब्लॉग वॉट एवर पर्टेनिंग एंड यू कैन कॉमेंट ऑन दैट आई वुड अप्रिशिएट. But how do you? There is no subscribe tab on this. Nikunj. How do you subscribe? Yeah, there was a subscribe tab. Because subscribe करते तभी तो email जाता है आपको directly. ये जो अभी तक तो सब कुछ available. I don't know why it is not available. We still updating the website. Yeah, we are updating now. So this guy. It should be done shortly. Yeah, yeah, I think by the time you reply to this mail na I already replied. I think there are a couple of questions anybody who is having questions they can Kalpana post in the chat. Ha ma'am, you are excellent Kalpana. Thank you so much. Ha ma'am, bolo ma'am. My god, yeah, Dr. Punjabi hai hamari mail mein. What have you done? Within short time. क्या किया है तूने? अच्छा किया. I have no words. Thank you so much, ma'am. ये आपको ही है ना मतलब. मैं कहती हूँ मेरी ज़बान को दक्षिणा है. को दक्षिणा है ma'am. Best. Thank you so much. She is my mentor. Taught me advanced homeopathy. Mama, there are a couple of questions. One is, I don't think everyone has your WhatsApp number or something. So if you want to share that, I don't know if you have their contact number. So where you give the information and I'll just clear that up. And there is a second question that they're asking is, okay, I have opened the question box. Let me see. I'm reading all the questions. Okay, one more thing what I forgot important is I am also offering a membership here. Membership is just for 99, but usme kya hoga na ki not only homeopathy. Supposing somebody has a talent in cooking, art mein, sports mein, anything and everything, whatever their own talent, ko hum log nikharne ke liye
हमारे साथ अगर हम दिस वेबसाइट व्हाट इज मेड ना इट इज नॉट अ होम्योपैथिक वेबसाइट इट इज अ मार्केटिंग वेबसाइट. ये मार्केटिंग वेबसाइट से हम लोग आपको हेल्प करेंगे आपका थोड़ा सा इनकम जनरेट करने के लिए घर बैठे ऑनलाइन. ओके, जिसको भी उसमें इंटरेस्ट है ना घर बैठे ऑनलाइन कुछ तो भी सेटअप करने में कैन बिकम अ मेंबर विद मी. दे कैन जॉइन मी एज अ पार्टनर. क्या क्या देगी यार? सॉरी, हेलो हेलो. हाँ मैडम, यू आर फ्रॉम मुंबई? फ्रॉम मुंबई. ओके ओके, आफ्टर लॉकडाउन आई विल कम एंड मीट यू पर्सनली. हर कोई इवेंट भी अपडेट्स है, वेबिनार्स है, कुछ भी अपडेट्स है, मतलब आई विल ऑल्सो हेल्प यू हैंड होल्ड करके कि आप उसमें जिस तरह से मैं कामयाब हुई हूँ उसी तरह से आप भी कामयाब हो. So, ये जो वेबसाइट बनाना मार्केटिंग इज ऑल अ बिग कॉस्ट टू दैट. तो सभी की बस की बात नहीं होती है. बहुत सारे लोगों के पास फेसबुक अकाउंट्स है पर फेसबुक पेज नहीं है. तो सबसे पहले तो जो मेंबर बनेंगे ना उनको हम लोग नेक्स्ट वीक में या विद इन द नेक्स्ट 15 डेज वी विल बी टेकिंग अ वेबिनार ऑन हाउ टू क्रिएट अ फेसबुक पेज एंड स्टार्ट ऑनलाइन मार्केटिंग देयर. वहां से आपकी जो फोटो है उसमें हम आपको इमेजेस बनाना किस पे कैसे पोस्ट करना है क्या करना है हाउ यू कैन स्टार्ट अर्निंग ना उसके लिए हम आपको ट्रेनिंग देंगे सिखाएंगे. बीइंग अ पार्टनर इज बेनिफिशियल टू यू आल्सो एंड टू मी आल्सो एंड बिकॉज इट इज माय इनिशिएटिव. ये होम्योपैथी एट होम का भी मेरा फर्स्ट वेबिनार है. विद ऑल योर सपोर्ट एंड सो मच ऑफ लव दैट यू ऑल हैव गिवन मी आई जस्ट ऑफर दिस एज 99 रुपीज. This is only like for 1 year. Stay with me in everything, and then if you feel that yes, it is fruitful, it will be really worth it. Because 99 is nothing in today's jamana. I say, so my husband, my family, they say you 10,000 for this. You know, I said no, I don't want to. People should be able to afford. They're just coming out from the lockdown. They shouldn't feel that I am, exploiting them or something. It's all the love and care what I'm giving back. आपको इसका बहुत ही फायदा होगा. सो बट ओनली इफ यू बिकम अ मेंबर विल यू गेट एक्सेस. यू विल आल्सो गेट एक्सेस टू लॉट ऑफ पीडीएफ्स. तो हम लोग ने नोट्स वगैरह बनाई है उसमें बहुत सारी चीज मैं फ्री भी देना चाहूंगी. तो वो सारी चीजें आपको मेंबरशिप में इतना फायदा हो जाएगा ना कि आपको सिर्फ 99 में से आप 10,000 आराम से कमा सकते हैं. उतना तो आपको आराम से हो जाएगा. 99 पर ईयर मैडम? सॉरी, 99 पर ईयर फॉर 1 year. मैंने एक साल ही रखा है. लेट अस सी हाउ इट गोस. या शुड ग्रो ना सर. आई डोंट वांट टू चीट एनीबॉडी. और मेरा एक गुडविल भी बनना चाहिए, नाम भी होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बोले कि लाइफ टाइम बना दिया अभी दगा दे दिया. ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर आप लोग ने अच्छा सा मेरे साथ मतलब हम लोग की टीम अच्छी बन गई ना आप लाइफ टाइम ही हो जाएंगे. प्रॉब्लम नहीं है उसमें. मामा देयर आर टू क्वेश्चंस. डॉक्टर या can we practice homeopathy after the course? There are two questions. No, you cannot practice homeopathy. You can use homeopathy for your home and your neighbors, friends, relatives. किसको help करना है आप help कर सकते हैं. और ये जो अभी बताई है उतनी medicines आप कर सकते हैं because it is very safe. मुझे पता है इसमें कोई problem नहीं है. पर अगर आपको और ज्यादा practice करनी है तो आप 1 year का basic course ले लो homeopathy का. उसमें आपको certificate मिलेगा जिसमें जिसके बाद मैं आपको एक आरएमपी नंबर लेने में हेल्प कर सकती हूँ कि यू विल जस्ट गेट अ लेमेन. जैसे अल्टरनेटिव मेडिसिन या अलाइड मेडिसिन प्रैक्टिस करने का आपको एक रजिस्ट्रेशन मिलेगा. यू कैन डेफिनेटली डू समथिंग बिकॉज वैसे तो ये सेफ है. और बहुत सारे लोग आप देखेंगे कि ओवर द काउंटर ही फार्मेसी से लाके यूज करते हैं. उनको उनको कौन रोक सकता है. पर यहाँ पे ऐसा भी नहीं होना चाहिए. होम्योपैथी का नाम खराब नहीं होना चाहिए. बेसिकली मेरा कहना यह है कि होम्योपैथी को ब्लेम नहीं करना चाहिए किसी को.
कभी कभी क्या होता है कि लोग है ना होम्योपैथी भी लेते हैं, एलोपैथी भी लेते हैं, बहुत सारी अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, होता किसी और से कुछ है और होम्योपैथी को ब्लेम करते हैं. दिस इज व्हाट आई डोंट वांट एंड दैट इज व्हाई आई वुडंट एडवाइज. नहीं तो फिर डॉक्टर्स क्यों बैठे हैं. इनफैक्ट अगर मैं बोलूंगी कि जब भी कोई क्रॉनिक कंडीशन है या ऐसी चीज है जो आप हैंडल नहीं कर पाते हैं, you should, you can always refer them to me. I will reward you for references also. Rather than, you know, doing everything on your own. I have done so many years. मैंने कहाँ कहाँ से एक्सपीरियंस लिया है. You will not believe me. इतनी जगह से मैंने अलग अलग एक्सपीरियंस. I have worked with pharmaceutical companies for adverse drug reactions. I have worked with Reliance Health. I have worked, I have taken training from Dhawale Institute for 1 year, even after certifying for homeopathy. After getting all the certifications and registrations number, I still went and worked with that. Before that, before taking the registration number, I have worked under Dr. Manoj Patel at Vilepale. I have been mentored for advanced homeopathy by Dr. Geeta Punjabi, who is a ex-lecturer and ex-examiner at CMP College at Vilepale. So, there are n number of experiences what we have. And basically, the very important thing is इसमें medical terminology आती है, lab investigations आते हैं, clinical diagnosis आते हैं, mental picture के diagnosis आते हैं. So the diagnosis has to be perfect for you to practice homeopathy. Your diagnosis is a skill, art है. आप किसको कैसे समझते हो? You have to put yourself in the opposite person's place and understand what he feels. How उसको फीलिंग क्या होती है, उसको दर्द कैसा होता है, उसको क्या महसूस होता है. एंड बीइंग अ डॉक्टर इज अ एम्पैथेटिक एंड अ सिंपैथेटिक सॉल्यूशन. इट इज नॉट जस्ट सिंपैथी, नॉट जस्ट रेमेडी. सो आई थिंक आई हैव अ लॉट ऑफ आंसर्स फॉर दैट. मम देयर इज अनदर क्वेश्चन. डॉक्टर आपके पास सबका ईमेल है? यस डॉक्टर. हाँ जी डॉक्टर कल्पना. हाँ जी है ना. हाँ ईमेल है. ओके ओके थैंक यू. सो एनीबॉडी निकुल व्हाट इज चैट फोरम्स में देयर आर टू क्वेश्चंस. प्लीज स्टॉप एलोपैथी मेडिसिन फॉर बाईपास पेशेंट बिफोर 5 इयर्स एंड स्टार्ट होम्योपैथी. एलोपैथी मेडिसिन के तो कितने साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो तो केमिकल्स ही है ना. मैडम व्हेन विल योर नेक्स्ट सेशन बी? So we are taking ये जो हमारी group meetings तो होती रहेगी. next Saturday को again we will start a group meeting. same time. I'll let you know. mostly it will be same time but I'll let you know. कुछ changes हैं तो. because मेरे साथ जो मेरी friends हैं Dr. Poonam and Dr. Punjabi, they are very happy because we used to take. हम लोग ने 5 साल doctors meetings किए थे Dr. Punjabi के घर पे. so we will continue that now online. They are very happy and मुझे support मिल रहा है. आप लोग का प्यार और support मिलेगा तो definitely like to learn. Sure, sure. So any more questions, you can always email it to me also. मेरा consultation और उसका तो मैंने डाला है email ID, consultation contact number, everything is shared with you all. This number that is shared is WhatsApp, no? Yeah. The same. I have only one number right now. Planning to buy another one. I need an assistant to help out in all these things also. I'm sure everybody is happy with this and 100%, 100%. Yeah, so express your happiness with at least taking some help in terms of in behalf of a homeopathic kit at home, which you can, you know, treat your if you have. My background is very different. I'm basically an engineer, industrial engineer. Oh. But before my mother died, she wanted me to become a doctor. So in 1982, I studied homeopathy, but couldn't give the exams finally. Okay. Then I went abroad. I came back from Dubai in 2010. Then I started doing the course with Grace Medical at Kerala. Okay. I did the full 1 year course, but again, some tragedy happened and I couldn't give the exams. Oh. Okay. I studied the entire thing, but couldn't give the exams. Okay. So when I see today also by chance I saw I tell you what, exam is very important, you know, in the sense that it has to go into your long term memory. And practice करना नहीं है because homeopathy बहुत safe है, इसमें डरने की कोई. मेरे husband जो है, अभी हमारी शादी को हो गया 32 years. तो मेरे husband बोल रहे हैं कि मेरा number दे दो, मैं उनको बोलूँगा क्या लेना है. That skill, that you know, अच्छा ये हुआ तो ये लेना है.
is that beautiful a science. Only no, thing but, is na ki aapko mehsoos karna hai. Homeopathy is all about actually feeling it. No, no, I have got more faith in homeopathy. Because from 82, I have not taken a single allopathic tablet also. Wow, that's wonderful. Aisa kaha jata hai, jiske family mein homeopathic lete hai na, to generations tak agar lete rahe na, to chauthi generation itni mazboot aayegi ki wo kabhi bimari nahi hogi. Yeah, I believe that the immunity should be raised. Yes. Homeopathy hai na, immunity ko suppress nahi karta hai. Allopathic medicines immunity ko suppress karta hai. Suppress karta hai, yes. That was the reason. There is a one more question. Can we give lycopodium when taking allopathy? Of course, we can give all the homeopathic remedies. I have given to people who are taking even steroids. It's a myth. Homeopathy doesn't work if you are taking steroid or if you are taking allopathic medicines or if you are taking antibiotics. So it's a myth. Homeopathy works beautifully. We have to give advanced. Now, jaise maine bataya, lycopodium is essential to decrease the suppression caused by allopathic medicines or antibiotics or steroids. And we have to work more aggressively. Tenses jo hai wo kabhi kabhi thodi high deni padti hai because the these uses what they are using, the allopathic medicine and the antibiotics or steroids what they are using. So you can give lycopodium, it is very safe. But do we also use steroids in homeopathy? No steroids in that. No, no, no. Because homeopathy works, give chota small amount, tiny quantity gives beautiful, large miraculous results. So, बहुत लोगों को ऐसा लगता था कि अरे स्टीरॉइड देते होंगे, you know, that is why it is working. Inflammation एकदम से चला गया. How? Yeah, yeah. That is why they felt, but no, it is not that. इसमें स्टीरॉइड्स कुछ भी नहीं होता है. These are all elements from the nature. Nature. Elements from nature. Paired in a energy form. I would like to add over here. See, difference between, you have to understand. What is allopathic medicines? What is Ayurveda? And what is homeopathy? Homeopathy is considered as the second most accepted line of medicine after allopathy. Allopathy, hai na, it is very good for emergency, for surgeries, for cases where, you know, surgery is required. Jaise bahut badi gaant hai. But you have to understand ki multiple compound fracture ho gaya, to usme surgery karne ki avashyakta hai. वहाँ पे एलोपैथिक और ये जो एलोपैथिक साइंस है हमको बहुत हेल्पफुल होता है. ऑल ऑफ अ सडन हार्ट अटैक आ गया, ऐसी चीजों में हम लोग भाग के जाते हैं. हमको उसको लाइफ लॉन्ग का, जैसे अभी किसी को डायबिटीज है या कोलेस्ट्रॉल है, लाइफ लॉन्ग अगर वो लोग होम्योपैथिक सॉरी एलोपैथिक लेते रहेंगे, दे आर इंजेस्टिंग द केमिकल जो उसका मॉलिक्यूल जो काम करने के लिए है एलोपैथिक में, दोज आर डेफिनेटली क्लिनिकल रिसर्च के बाद ही आया है. To prepare that, they always use a petroleum based. The body cannot digest nor it can throw it out. Aisi homeopathic, allopathic medicines are the base hai, is chemical, petroleum based. Aapko samajhna hai. So you are, every time you are popping up a pill, it has the largest popper in the world. So every time you are popping up a pill, you have to understand that you have to try to find out a solution ke isse bahar nikalna hai. एक बैलेंस करके चलो, होम्योपैथिक साथ में लेते रहो, फेथ रखो अपने आप पे और होम्योपैथी पे फेथ रखो. ये नेचर में ही बनाया है तो डेफिनेटली इट हैज टू वर्क वेरी नाइसली और ये अच्छा काम करता ही है. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस टू कम आउट ऑफ दैट. वो दलदल में ना घुसना नहीं है, दलदल से बाहर कैसे निकलना है ना, वो आपको सीखना और समझना है. अच्छा, आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है ये जो होता है ना, ये इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हर्ब्स, कॉम्बिनेशन ऑफ द वो रॉ मटेरियल लेके वो लोग बनाते हैं. आयुर्वेद ऑल्सो 3005 ईयर्स ओल्ड आयुर्वेदा है और हमारा इंडिया तो उसमें इट्स अ हिस्टोरिकल ओरिजिन है उसका. आयुर्वेद इज ऑल्सो अ वेरी गुड साइंस एंड आई एम नॉट सेइंग कि इट्स नॉट गुड साइंस, पर उसमें मिश्रण होता है. जो भी चीजें एलिमेंट्स हर्ब्स वगैरह है पाई जाती है, उसका एक मिक्सचर बना के आपको ट्रीट करते हैं. तो इसमें जो है ना, उसमें परहेज भी बहुत होती है और ये मिश्रण लेने की वजह से उसकी क्वालिटी, उसका प्रोपोर्शन बहुत मैटर करता है. तो उसकी क्वालिटी, जैसे कि अभी समझो कि आप कड़ी पत्ता ही ले लो, लिमड़ा बोलते हैं, उस कड़वा लिमड़ा भी आता है, मीठा लिमड़ा भी आता है ना, तुलसी ले लो, उसमें तीखे तुलसी आते हैं, मीठे तुलसी आते हैं. इसी तरह से बहुत सारे अलग अलग अश्वगंधा और बहुत सारे अलग अलग पदार्थ है जिसकी क्वालिटी कौन सी है ना, वो मैटर करती है. So that person has to be really very well versed with that, and uske proportion,
कौन सा मिश्रण समझो 70% ये लिया 30% ये लिया तो आर्थराइटिस में काम करेगा ना. अगर उसका जो मेजरिंग है ना, जब वो लोग क्वांटिटी में बनाते हैं, छोटी क्वांटिटी में मेजर करना अपने आप ले लेते हैं, अच्छा चलो ये तीन आधा पौना वाटी ये ले लिया, वाटी ये ले लिया, नहीं ऐसे नहीं होता है. हैज टू बी रियली मेजर्ड इन माइक्रो मेजरमेंट एंड इट वर्क्स एज इट इज सेड इन द आयुर्वेदा. पीपल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द क्वालिटी, कितनी प्योरिटी है क्वालिटी में. तब वो गटर में से तो वो गाया हुआ छोड़ नहीं है ना, वो भी तो देखना है. तो क्वालिटी देखनी है, प्रोपोर्शन देखनी है. और होम्योपैथी जो है ना, ये एक एनर्जी फॉर्म में है, ये बहुत ही छोटी मात्रा में एक दो बूंद भी है ना आपको ब्यूटीफुल काम करके जाता है. और बिकॉज इट इज इन एन एनर्जी फॉर्म, इट वर्क्स ऑन द क्वांटम थियरी. नो साइंस में क्वांटम थियरी, अणु बोलते हैं ना, जीवात्मा जो होता है अणु होता है. यस, इतनी सूक्ष्म मात्रा में वो काम करता है. दैट इज व्हाई इट इज वेरी सेफ, दैट इज व्हाई इट इज एक्सेप्टेड आल्सो सो वेल एवरीवेयर, बिकॉज इट वर्क्स ऑन द क्वांटम थियरी. साइंस कैन आल्सो प्रूव इट बेस्ड ऑन द एटम. जैसे वो एटम को अगर हम लोग सक्सेशन जो करते हैं होम्योपैथिक में, इफ दे आर रिलीज्ड, व्हेन एन एटम इज रिलीज्ड विद लॉट ऑफ टेकिंग, इट विल हैव लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग इन हिज ऑर्बिट, मूविंग इन हिज ऑर्बिट. So it will have an affinity towards the positive electron. Negative electron will have an affinity towards positive electron. Same theory of energy is applied in homeopathy. That is why again homeopathy इसमें की quality क्या है, मात्रा क्या है, ये matter नहीं करता है. Matter करता है what energy it is. Diagnosis क्या है, उसकी आपने like remedy क्या select की है. That's important. Okay. Thank you so much, ma'am. Thank you, everybody. Have a great evening. We look forward to next Saturday.